हम लोग जानते हैं, वन सेकेंड, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप जैसा कि जानते हैं कि आज हम लोग के जो हमारा जो 6 दिवसीय कार्यशाला है उससे संबंधित आज हमारा दूसरा दिन शुरू होने जा रहा है बस कुछ ही समय के बाद। जिस प्रकार से हमारा ये कार्यशाला डे वन से हमने देखा है कि विषय से संदर्भित जो भी व्याख्यान दिए गए हैं, जो भी लेक्चर्स दिए गए हैं, वो बिल्कुल आपके पाठ्यक्रम पर आधारित है। मैं इस चीज को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और साथ ही साथ आप एक चीज देख रहे होंगे कि जहाँ तक फाइल प्रिपरेशन की बात है, तो इससे संदर्भित जानकारी मैडम क्रमशः आपको धीरे धीरे प्रदान भी कर रही हैं, और बहुत जल्दीबाजी नहीं है। आप इस कार्यक्रम को, इस कार्यशाला के प्रत्येक सेशन को सबसे पहले बढ़िया से समझिए। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ कहीं भी आपको डाउट लगे, जहाँ कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो, तो आप क्वेश्चन जरूर अराइज करिए मैडम से। मैडम क्वेश्चन के आंसर देने के लिए हमेशा रेडी हैं, उनसे व्यक्तिगत संपर्क भी आप कर सकते हैं। जैसा कि मैडम ने हमें आज बताया कि कुछ वर्क जो आपको दी थी, हालांकि वो मैंडेटरी नहीं था कि अभी तुरंत चाहिए, लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट्स ने बहुत ही मेहनती मेहनत करके उसको कंप्लीट भी किया है, और पर्सनली मैडम से मिल करके या उनको अपना मैसेज भी किया है, ऐसा मुझे जानकारी मैडम के द्वारा दिया गया है। और एक स्टूडेंट हमें पर्सनल भेजा था, रितिका पांडे डीएलएड की स्टूडेंट है, जिसको मैंने उसके ग्रुप में फिर दोबारा भेज दिया था, कोलाज बना करके भेजी थी। तो मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है कि कम से कम जो हमारा विषय है और जिस संदर्भित चर्चा कल हम की गई कोलाज से संबंधित, खासतौर पर लास्ट में, तो बच्चों ने काफी मेहनत किया है। और इसी तरह से आप क्रमशः धीरे धीरे आप अपना जो प्रोजेक्ट है या आप अपना जो वर्क है उसको आप कंप्लीट करते चले जाएंगे, और मैडम से कंसेंट लेते चले जाएंगे। उनसे संपर्क करने के बाद तो निश्चित रूप से आपकी एक फाइल तैयार हो जाएगी, और वही फाइल आपको परीक्षा फॉर्म भरने के समय आपको जमा करना है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, प्रायोरिटी देनी है। दूसरी बात मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अटेंडेंस जो हमारा है वो मैंडेटरी है। ये इसीलिए मैं मैंडेटरी कर रहा हूँ क्योंकि ये 50 नंबर का एपीसी एक्टिविटीज बीएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए है, जिसमें आप सभी को उपस्थित रहना 100% अनिवार्य है। यहाँ आप इस कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि सर मेरे पास ये काम है, मेरे पास वो काम है, मेरे पास ये चीज है, मेरे पास वो चीज है, यहाँ कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। ये 6 दिन का कार्यक्रम बहुत कठिनाई के साथ रखा गया। कठिनाई का मतलब ये कि ये कार्यक्रम शायद नहीं हो पाता जब तक ये लॉकडाउन जो आप देख रहे हैं कंटिन्यू चलता है, चल रहा है, चल रहा है, और लॉकडाउन खुल भी जाए तो उम्मीद कम है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज आ जाए। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म जो आपको दिया गया है, ये बहुत सोच समझ करके दिया गया है कि चलो कम से कम इस प्लेटफॉर्म के सहारे मैक्सिमम लोग जो है जुड़ जुड़ जाएंगे। हाँ, 2, 4, 5, 6 स्टूडेंट या 10 स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो ग्रामीण इलाके में है, जहाँ नेटवर्क की समस्या है, जहाँ बिजली की समस्या है, जहाँ मतलब डाटा वगैरह जो है उस तरह के से स्टूडेंट्स नहीं रख पाते हैं, तो थोड़ी बहुत आर्थिक स्थिति भी इसमें एक मायने रखता है। मान लीजिए पैसा नहीं है तो आपने रिचार्ज नहीं कराया वगैरह वगैरह, तो मैं ये 10-15 स्टूडेंट्स को मान सकता हूँ। लेकिन जो मैंने कल की उपस्थिति देखी है वो थोड़ा सा मुझे चौंकाने वाला है। मैंने पूरे जूम ऐप के माध्यम से मैंने इस चीज को बड़े बारीकी से देखा कि 45-46 पार्टिसिपेंट्स भी जुड़ पाए थे। तो ये थोड़ा सा आश्चर्य का विषय है मेरे लिए, क्योंकि तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि अब आपको किस तरह का प्लेटफॉर्म चाहिए, ये मैं नहीं समझ पा रहा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप अभी घर पे हैं और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सब जुड़े हुए हैं, और जिस प्रकार से आपको क्लासेस में जो चीजें बताई जा रही थी या जाया जाता है, वो आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी बताया जा रहा है। इवन जो क्वेश्चन आंसर है उसके माध्यम से आपको सेटिस्फाइड भी किया जा रहा है कि आप संतुष्ट हो जाए, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। अटेंडेंस का जो मेरे पास रिकॉर्ड आया है वो 41 स्टूडेंट्स का ही रिकॉर्ड आया है, मतलब 41 स्टूडेंट, 41 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आया है। ये आप समझ सकते हैं कि हम कितने अवेयर हैं, हम कितने सीरियस हैं अपने पाठ्यक्रम के प्रति,
अपने पढ़ाई के प्रति या अपने प्रशिक्षण के प्रति हम कितने सीरियस हैं, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 68 स्टूडेंट और प्लस जो हमारा डीएलएड का जो 19-21 के जो बच्चे हैं, 50 या 60 के आसपास जो हमारा एडमिशन हुआ है, उसमें से इतने बच्चे अभी तक मतलब 110-20 में से मात्र 41 स्टूडेंट ही जुड़े हैं अटेंडेंस फॉर्म के माध्यम से। तो ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि अब क्या कौन सा तकनीक मैं अपनाऊं या कौन सा ऐसा अप्रोच सोर्सेज मैं अपनाऊं ताकि हम लोग एक साथ जुड़ सकें। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने सारे लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये जूम जो ऐप है, जिस माध्यम से आप जुड़े हुए हैं, एकदम सिक्योर्ड है, ये पहले वाली स्थिति नहीं है। जूम ने काफी इंप्रूव किया हुआ है। दूसरी बात, तो सबसे बड़ी बात ये कि जिस ऐप से अभी आप चल रहे हैं और जो तकनीक से आप जुड़े हुए हैं, उस तकनीक के माध्यम से हम लोगों ने उसको परचेज किया है। हमें सिक्योरिटी अलॉट की गई है कि हमें किसी भी प्रकार का अन्य कोई भी व्यक्ति इसके साथ यदि जुड़ता है या किसी तरह का कोई भीतरघात करता है या किसी तरह का कोई पक्षपात करता है या किसी तरह का कोई टेक्निकल कोई मान लीजिए मतलब हानि पहुंचाने का प्रयास करता है, तो वो यहाँ नहीं हो पाएगा। तो अब हम नहीं समझ पाते हैं कि क्यों इस तरह से जो है बच्चे अवेयर नहीं है, जुड़ना नहीं चाहते। हाँ, मैं ये भी इस बात से भी सहमति व्यक्त करता हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको क्लास व्लास से कोई मतलब नहीं है। मैं ये एकदम स्पष्ट कर रहा हूँ कि जिसको क्लास से कोई मतलब नहीं है, वो पता नहीं, वो बीएड में एडमिशन लेने से पहले ही उनको लगता है कि हमें डिग्री मिल गई है, हमें अब कोई क्लास की जरूरत नहीं है, बस एग्जामिनेशन देना है और डिग्री प्राप्त करनी है। तो मैं ऐसे स्टूडेंट को साष्टांग नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि वो बहुत मतलब हमारे कॉलेज को एक एहसान जो है दिया है कि हमने आपके कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, हमें क्लास व्लास से कोई मतलब नहीं। तो भाई ठीक है, ये अच्छी बात है, आपको क्लास से कोई मतलब नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे क्या होने वाला है भगवान ही जाने और ईश्वर ही बचाए ऐसे स्टूडेंट्स। तो बड़ा विकट लगता है स्थिति हो गई है हमारे इस क्लासेस के माध्यम से। हम चाहते हैं कि ये क्लास, अच्छा ये क्लास दोबारा होने भी नहीं जा रहा है, जिस ऐप से आप कर रहे हैं क्लास या फेस टू फेस दोबारा होने भी नहीं जा रहा। और चूंकि ये मार्क्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, जिसके मार्क्स सीधे सीधे आपके मार्क्सशीट में आएंगे, जुड़ेंगे, तो जो बच्चे नहीं क्लास कर रहे हैं वो हमारे पास सीधा सीधा रिकॉर्ड आ रहा है। मैं उनको स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि कॉलेज में पीछे नहीं रहेगा कि आपको क्या मार्किंग पार्किंग करनी है या नहीं करना है या क्या किस प्रकार का इवेल्यूएशन आपके साथ करना है, ये तो हमारी कमिटी डिसाइड करेगी, ये तो हमारा अपना जो मैनेजमेंट है, हमारा जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, वो डिसाइड करेगा। लेकिन मैं एक चीज यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। पहला दिन था, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी भी 5 दिन हम लोग के पास है। यदि कोई भी स्टूडेंट्स अभी जुड़े हुए हैं लेकिन अपने मित्र को नहीं बता पाए हैं या अपने सहपाठी को नहीं बता पाए हैं और अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, तो काइंडली आप अपने स्तर से भी सब लोगों को बता दें कि इस तरह की बात है, सबको जुड़ना जरूरी है, सबको क्लास करना जरूरी है। अभी तक मैं देख पा रहा हूँ कि 25 या 26 पार्टिसिपेंट्स ही इस चैनल के थ्रू हम लोग जुड़ पाए हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं आज अटेंडेंस फॉर्म, याद रखिएगा, ये स्पष्ट कर दे रहा हूं, मैं आज अटेंडेंस फॉर्म जूम चैट के अलावा आपके ग्रुप में नहीं भेजने वाला हूं। आप जूम चैट में अटेंडेंस फॉर्म को देखें, वो अंतिम 5 मिनट 10 मिनट पहले हम उसको शो करेंगे, आप वहां से फिल कर ले, क्योंकि ऐसा मैंने देखा कि आप क्लास ज्वाइन कर लिए, 10 15 20 मिनट आधा घंटा सुने, फिर क्लास से आप रिमूव हो गए, क्लास से हट गए और फिर लास्ट में फिर जुड़ गए, ऐसा भी मैंने देखा है। आपकी एक एक एक्टिविटी जो है यहाँ दर्ज की जा रही है कि कोई भी स्टूडेंट कितने देर जुड़ा, कितने समय में हटा, कितने देर के लिए जुड़ा, ये सारा रिकॉर्ड मेरे पास में आ रहा है। तो आप इस तकनीक के माध्यम से यदि किसी भी तरह का यदि आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो यहाँ हमें पता चल जा रहा है। तो तकनीक कभी झूठ नहीं बोलता, माइक कभी झूठ नहीं बोलता, ये साधन कभी झूठ नहीं बोलेगा। हम आप भले ही झूठ बोल लें, मानव का स्वभाव है, लेकिन तकनीकी का स्वभाव ये नहीं है कि वो झूठ बोलेगा, वो जो देखेगा जो करेगा वही यहाँ सामने में दिखेगा, तो आप इससे बच नहीं पाएंगे। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी पार्टिसिपेंट्स से, पूरे सेशन के दौरान अपनी उपस्थिति को बनाए रखिए और जो भी चीज डिस्कशन हो रहा है, जो भी चीज आपको बताया जा रहा है, उसको बारीकी से सुनिए, गौर से सुनिए, समझिए। नहीं समझ में आता है, मैडम बताने के लिए फुली जो है आपको फ्रीडम दी है कि आप हमसे जब चाहे तब पूछ सकते हैं। तो हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं, 11:23 हो रहा है, ऑब्वियसली 11:15 में हमारा क्लास स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन हमने थोड़ा सा
इंतजार किया कि कुछ पार्टिसिपेंट जुड़ जाए। 25-30 के आसपास लगभग जुड़ चुके हैं, हम क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। सुप्रभात मैम, मैं आपका स्वागत करता हूँ फिर पुनः आज दूसरे दिन, और इस क्लास के लिए मैं आपको फिर से आमंत्रित कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरे पास कुछ काम आया है कल से अभी तक, तो झा सर को मैं वही बात बता रही थी कि कुछ अच्छा लगा मुझे कि जो हम लोग कल उतना डिस्कशन किए, सिर्फ हम उसका भूमिका ही दिए थे कि कोलाज क्या होता है, कैसे होता है वगैरह, तो कुछ लोग फॉलो किए हैं और बहुत अच्छा अच्छा काम मेरे पास आया है। हालांकि मुझे उम्मीद था कि और ज्यादा काम आएगा, तो हम उसका एक स्लाइड शो बना के आज पेश करते, क्योंकि देखिए एक चीज है कि वर्चुअली हम लोग जुड़े हुए हैं तो बाई फेस हम सबको नहीं नहीं होता है एक पहचान करके रखना, कनेक्टेड रहना, वो चीज थोड़ा सा तो दिक्कत होता ही है। तो अब 3-4 काम मेरे पास आया है, ठीक है, काफी अच्छा। मतलब जो हम पहला दिन जैसे आपको कुछ कुछ हम स्लाइड्स दिखाए, उस हिसाब से काफी अच्छा काम, काफी अच्छा कॉम्पोजिशन आया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। एक मेरे पास आया, मैंने आपको बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि मुझे नाम सबका याद नहीं है, लेकिन वो जो कोरोना वायरस के ऊपर शायद एक अम्ब्रेला बना करके वो आया है, किनका होगा वो है, हाँ वो किसका था मुझे याद नहीं, काफी अच्छा काम था। और बाकी जो आप लोग अभी मुझे कुछ देर पहले मिला, एक शायद गमले में फूल है और उसमें शायद पानी छिड़का जा रहा है, इस तरह कुछ कुछ काम, मतलब बहुत अच्छा कॉम्पोजिशन आया है। मगर एक चीज मैं जरूर थोड़ा सा कहूंगी कि जो भी आप लोग कर रहे हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड को भी सोचिए। कल आप देखे होंगे जो जो हम ये दिखाए, आपको स्लाइड्स दिखाए, उसमें देखिएगा कि फुल बैकग्राउंड जो है ना सही, कुछ हद तक बैकग्राउंड में कुछ कॉम्पोजिशन में कुछ डाला गया ताकि बाकी कल्पना किया जा सके। इस बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, ट्रेनिंग एक माध्यम है जो कि आप लोगों के सिलेबस में शायद है भी, हम देखें उसको, पेनिंग। तो पेनिंग में जैसे इंक से जब हम लोग काम करते हैं तो ब्लैक इंक ज्यादातर यूज होता है, तो ब्लैक इंक में एक प्रॉब्लम होता क्या है कि व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक इंक से हम लोग काम कर रहे होते हैं तो एकदम एक्सट्रीम डार्क और एक एक्सट्रीम हाइलाइटेड एरिया यही हमारे पास रहता है, जिससे मुझे हर टोन को डिपिक्ट करना होता है। आप देखिएगा कोई भी एक चीज को हम लोग जब देखते हैं तो उसमें शायद हम लोग गौर नहीं करते होंगे, मगर खूब माइन्यूटली आप देखिएगा तो उसमें टोनल वेरिएशन है। जैसे आप सबको मेरा फेस तो दिख रहा है, ये हाइलाइटेड एरिया है मेरे फेस का, इधर से खिड़की है तो विंडो से पूरा लाइट आ रहा है, और देखिए धीरे 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 ये इधर गया एक्सट्रीम डार्क, मतलब यहां जितना लाइट है उस हिसाब से एक्सट्रीम डार्क एरिया मेरा फेस का ये साइड है। अब आप बहुत माइन्यूटली अगर इस फेस को देखिएगा तो एक टोनल ग्रेडेशन आपको दिखेगा, एकदम से झट से डार्क नहीं हुआ है, धीरे 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 डार्क हुआ है, ठीक है। तो इतना सारा हम लोग सोच लेते हैं, इसको 3 टोन में अगर हम लोग बांट लेते हैं, एक्सट्रीम हाईलाइट, मिडिल टोन और डार्क टोन, हालांकि इसको धीरे धीरे मार्ज कराना पड़ता है, वो टेक्निकल बातें। मगर पेनलिंग में क्या होता है, आपके पास डार्क इंक है, मतलब आपको खाली ये कलर मिल रहा है और ये कलर मिल रहा है, उससे आप यहां का क्या लाइएगा, तो वो टोनल वेरिएशन को टेक्सचर के थ्रू हम लोग क्रिएट करते हैं धीरे धीरे। तो वहां पर ये जो एरिया है एक्सट्रीम हाइलाइटेड एरिया, यहां पर दागी तक नहीं छुआ जाता है, मतलब जैसे यहां से हम कॉन्टूर स्टार्ट करेंगे, इसको डार्क करेंगे, यहां लाके हम छोड़ देंगे, ये एरिया हम टच भी नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, हम इसलिए बात को छेड़े के कल्पना के ऊपर कुछ छोड़ा जाता है, जो देखने वाला होता है इस तस्वीर को
उसका इन्वॉल्वमेंट वहीं से स्टार्ट करता है, वो यहाँ तक तो फॉलो करेगा, एक लाइन है लाइन है लाइन है, यहाँ नहीं है तो यहाँ क्या है, ये क्या है का एरिया जो है वो तस्वीर का सबसे इंटरेस्टिंग एरिया होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब कोई कहानी पढ़ते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, कुछ भी, मतलब एक कंटिन्यूटी जिसमें रहता है, एक नरेशन जिसमें रहता है, आप कहानी का किताब पढ़ रहे हैं, अचानक से कोई काम आ गया, आप बंद कर दिए, ध्यान देखिएगा वही पड़ा हुआ रहेगा कि उसके बाद क्या हुआ। फिर सीरियल में भी आज हो गया, सबसे भयंकर स्थिति होता है शुक्रवार को, जो सीरियल खत्म होकर सोमवार स्टार्ट होने वाला है, सबसे क्रिटिकल सीक्वेंस शुक्रवार को वो लोग डालता है, ताकि दो दिन आप सोचते रहे इसके बाद क्या हो रहा है। तो ये क्यों है, ये एक कला है, ये जब आप छोड़ रहे हैं कोई जगह, सब कॉन्सेंट्रेशन जाके वहां, और लोग क्या करते हैं उसको बनाने लगते हैं मन ही मन कि क्या हो सकता है। उससे दो चीजें हैं, एक है आपका ड्राइंग का सक्सेस कि मेरा ड्राइंग इतना देर तक कोई देख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा है जो देख रहा है उसका कल्पना शक्ति जो है वो भी थोड़ा जो है उसको कम से कम एक बार छेड़ तो रहा है कि क्या हो सकता है। हम लोग असल में, हम कल ही जो बात बता रहे थे कि हम लोग सृजनशील है तभी हम लोग इंसान है, तो सृजनशीलता इसका प्रैक्टिस होना भी जरूरी है। अभी झांसर जो बोल रहे थे क्लास का अटेंडेंस को लेकर के, देखिए एक चीज है, आप लोग कृपया जो भी है मतलब अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा इत्तला कीजिएगा, क्योंकि देखिए बंक करना, क्लास बंक करना एक वो भी एक कला है, हम लोग भी हमारे जमाने में नहीं किए नहीं बोलेंगे, मगर उसका एक हद होना जरूरी है। हम लोग का एक टीचर हुआ करते थे शेली मुंशी सर, मतलब वो पेंटिंग के एक बहुत ही मतलब नामचीन हस्ती थे, तो वो थोड़ा ना डिसिप्लिन ज्यादा थे, बहुत ही ज्यादा, तो हम लोगों को आउटडोर के लिए भेजते थे कि ठीक है आज उस गांव में आउटडोर के लिए जाना है, तो साइकिल लेके हम लोग तो अपना अपना बोर्ड और ये सब सब लेके निकल गए, और वो ठीक पीछे पीछे साइकिल से आते थे, और हम लोग कहां कौन बैठे हुए हैं टोटल अटेंडेंस वही पर लेते थे, तो मतलब वहां छुटकारा नहीं मिलता था। लेकिन एक आध बच्चा उसमें से भी गायब हुआ करता था, और फिर जब सलिंदा बोलते थे मतलब जैसे कि क्या हुआ तुम नहीं थे, नहीं आपको तो हमने देखा, आपने ये पहना हुआ था, और आप जहां से गुजरे ठीक उसके पीछे तो हम बैठे हुए थे। तो एक दिन वो ये बात बोले थे कि ये भी एक कला है कि मुझे खाली तुम सर्वे कर लिए कि हम क्या पहने हुए, हम क्यों नहीं देख पाए तुम क्या पहने हुए थे। तो थोड़ा सा जो भी है क्लास बंक करना ठीक है, मगर अभी तो वर्चुअल क्लास है, घर से निकलना भी नहीं है, घर में ही बैठना है, आप चाहो तो वीडियो को ऑफ करके जैसे हो वैसे ही बैठ के सुन सकते हो, तो इस पर अमल किया जाए, क्योंकि क्या होता है ना एक पल जो चला गया वो दोबारा तो आएगा नहीं। और सच पूछिए, हम कल ही जो बात बोल रहे थे कि टीचिंग का जो फीडबैक आज से 10 साल बाद आपको मिलेगा तब खुशी मिलेगी, और असल में टीचिंग ना प्रोफेशन नहीं पैशन होना जरूरी है, और ऐसे ही डिग्री हासिल करके जॉब मिल जाता है उस जॉब को झेलना पड़ जाता है आपको। अगर बीएड को सही से कोर्स को आप कंप्लीट कीजिएगा तो ये पैशन के हिसाब से लेना भी आप सीख जाइएगा कि मैं अगर ठीक से पढ़ाना सीखूं और फीडबैक बच्चों से लेना सीखूं और बच्चों से हर दिन सीखना सीखूं तो ये पैशन बन जाए। जो भी है ये आउट ऑफ ट्रैक था, तो जो चीज मैं कह रही थी कि कल्पना के ऊपर कुछ छोड़ना है तो बैकग्राउंड में आप लोग जो काम कीजिएगा मिनिमम वर्क उसमें कीजिएगा, आपका जो ऑब्जेक्ट को आप बना रहे हैं उसको उसपे उसके ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, उसको अच्छा से बनाइए, और बैकग्राउंड में थोड़ा सा कुछ सजेस्टिव डालिए ताकि जो देखने वाला है उसको पूरा एरिया भरा हुआ लगे। मगर आप काम बहुत कम कीजिए, चाइनीज आर्ट का जैसे एक बहुत अहम हिस्सा है मिनिमम वर्क मैक्सिमम इफेक्ट, वो लोग देखिएगा फुल पेज उन लोगों का लगभग खाली है,
दो चार स्ट्रोक से ही वो लोग काम करता है, मगर उस स्ट्रोक को इतना प्रॉपर वे में वो लोग डालता है ताकि लगे टोटल कंपोज्ड एरिया है। ये चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए कि मिनिमम वर्क ही कीजिए मगर उसमें थोड़ा सा, जैसे मैं कल जो आप लोगों को दिखाई थी, एक मिनट, जी मिल गया। इतना नेट स्लो है ना बाप रे बाप। कल हाँ ये भी नहीं, एक एक हाँ ये था, ये आ रहा है झासर, ये स्क्रीन में आ रहा है। जी हाँ, हेलो, जी हाँ जी हाँ आ रही। जी 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 ओके सर, थैंक यू। अच्छा इसमें आप लोग देखिए, ये जो आसमान का यहाँ देखिए काम किया हुआ है, ये एरिया जो है, सॉरी, ये जो एरिया है ये पूरा खाली छोड़ा हुआ है। देखिए ये व्हाइट एरिया, ये पेपर व्हाइट है जो कि हमें दिख रहा है, ठीक है। तो आसमान में काम कितना किया गया, लेकिन दूर से हम लोग जब देखते हैं वो बादल लगता है। दैट मीन्स के आप अगर बैकग्राउंड में कुछ इस तरह करके छोड़ दें, बाकी जगह लोग कल्पना कर ले सकते हैं कि ये देखो ये बादल है और यहाँ देखो ये वाला बादल है और ऊपर में आसमान दिख रहा है। तो इस तरह आप लोग जो है स्पेस को ये कीजिए। मेरा जैसे किया हुआ जितना भी काम आप देखिएगा, लगभग स्पेस को हम भर के काम किए हैं, वो आर्टिस्ट आर्टिस्ट पर डिपेंड करता है। इसमें भी देखिए आसमान को किस तरह कंपोज किया गया, माने हम जो बोल रहे हैं पेपर व्हाइट छोड़ने का स्टाइल, ठीक है, वो चीज बहुत जरूरी है। उसको इधर पेपर व्हाइट कुछ नहीं छोड़ा हुआ है, बैकग्राउंड में ये जो बेलून है ये ड्रॉ किया हुआ बेलून को काट करके किया गया, ठीक है। तो इसमें भी पेपर व्हाइट है जो कि आप कल्पना कर सकते हैं कि बेलून का आकृति वहां पर है। तो इस तरह थोड़ा सा आप लोग उसमें जो भी कर रहे हैं उसके साथ अगर आप लोग थोड़ा सा ये कर लें, इसको जोड़ लें तो बेहतर होगा। कि मैं कहीं खो गई, एक मिनट। खैर अच्छा, आज कल शायद कुछ वो जो चित्र गुणाष्टकम के बारे में बात हुआ था, वो शायद कुछ बच्चे जानना चाह रहे थे कल, मैं उसको निकालती हूँ। हाँ ये व्याख्या है, ये गुणाष्टकम है, अगर आप लोग प्रिपेयर्ड हैं तो मैं इसका थोड़ा सा व्याख्या, कल थोड़ा सा जो है थोड़ा इसका हड़बड़ी था क्योंकि मैं चित्र षडंगकम को ज्यादा अहमियत देके कल समझा रही थी। बेसिकली चित्र षडंग जो है, सिक्स लीम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग चित्र षडंग, और सिक्स लीम्स है सारिस्टन आर्ट में, वो भी लगभग सेम ही उसका ये है, जैसे छह गुण जो कि छह अंग बोला जाता है पेंटिंग का, और पेंटिंग का अंग के अनुसार इसको हम लोग जब एज फाइन आर्ट स्टूडेंट्स हम लोग सीखे थे, उसको ये एप्लीकेशन बीएड के लिए खास करके हमने सच पूछिए तो हम इसको डेवलप किए हैं कि एक पेंटिंग में जो गुण होने से एक पेंटिंग संपूर्ण होता है, अगर वही सब गुण अगर हम बच्चों का क्लास लेते समय अप्लाई करें तो बच्चों से बहुत जल्दी हम लोग जो है कनेक्शन बना सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह आठ गुण है पेंटिंग का, पेंटिंग का ये आठ गुण को अगर हम लोग सही से एक क्लास में इस्तेमाल करें तो क्या होता है। मजेदार बात क्या है जानते हैं, जैसे कि मैं फाइन आर्टिस्ट हूं, तो फाइन आर्टिस्ट जब एक क्लास को देखता है तो बेसिकली एक चित्र के रूप से उसको देखता है कि अगर ये क्लास इस तरह सजा हुआ है, सजा हुआ होता, बच्चे अगर इस तरह इसको
यूज किए होते या मैं इस तरह इसको यूटिलाइज कर ली होती तो शायद ये बेहतर होता। तो मैं एक पेंटिंग के तरह देखती हूँ एक क्लास को, तो उस हिसाब से मैं आपको ये वर्णन दे रही हूँ। और हालांकि हम बार बार ही जो बात बोल रहे हैं कि ये आठ गुण एक चित्र में होने से वो एक सफल चित्र बनता है, और आपसे ये मेरा निवेदन है कि आप लोग एक क्लास में जब जाएं उस क्लास को एक चित्र के रूप में देखें, और हर बच्चा जो है वो एक कॉम्पोजिशन में सेम वैल्यू रखने वाला एक एक कोना होता है एलिमेंट। तो अगर हर बच्चा को हम एक उस तरह का एलिमेंट के रूप से देखें कि एक बच्चा भी यहां से गायब हुआ तो मेरा चित्र का एक गुण खत्म हो गया। जैसा कि मुझे लग रहा है, जैसे मेरे क्लास में अगर सब बच्चे आए होते तो मेरा चित्र संपूर्ण होता। नहीं हुआ, ठीक है, एक अफसोस तो रहेगा ही, मगर फिर भी चलिए अब ठीक से इसको मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करती हूँ। जैसे इसमें व्याख्या में हम जाते हैं। अच्छा, पहले श्लोक को आप लोग ठीक से पढ़ लीजिए। स्थानं प्रमाणं भूलंब मधुरत्व विभक्तता सादृश्य शवृद्धि गुणाष्टकं इदं स्मृतम्। इसको मंत्र के तरह रख लीजिएगा। अगर इसको आप जिस तरह मैं कह रही हूं जहन में आपका बैठ जाए तो मुझे लगता है कि आपका ये बीए में जो चीज आप लोग बेसिकली सीखने आए हो तो उस चीज को याद रखने में सुविधा होना चाहिए। चलिए, तो इसमें स्थान, चित्र में जब हम लोग कोई चीज को कंपोज करते हैं, कोई चीज को बनाते हैं, तो उसका पोजिशनिंग ये होता है स्थान। जैसे मैं आज जो 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 काम आप लोग जमा किए हैं, हमको दिखाए हैं, तो मैं नाम लेने के कल इसको एक्सप्लेन करूंगी। मेरे पास और थोड़ा सा काम आ जाए तो बेहतर होगा, आप सबको ही उसका विश्लेषण सुन पाइएगा, बेहतर लगेगा। अच्छा, तो उसमें जो है पोजिशनिंग ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट या ऑब्जेक्ट, जैसे वो गमला जो बना या तो फ्रूट बास्केट एक मेरे पास आया है, एक बहुत अच्छा मनन है उसका, जैसे एक शायद एक बच्चा पढ़ रहा है, उसका कैसे नारिश्ड हो रहा है ब्रेन वगैरह, उस तरह कुछ चित्र है। मैं एट ए ग्लांस देखी जितना मुझे समझ में आया, और एक तो कोरोना वायरस के ऊपर है, काफी नीट एंड क्लीन काम है वो, मतलब मेंशन करना जरूरी है, अच्छा लगा मुझे। तो इनमें जब एलिमेंट को आप बना रहे हैं, कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को जिसको लेकर के आप तस्वीर को सोचे हैं, उसको एकदम सही ढंग से, सही साइज से, सही जगह पर प्लेसिंग, वो होता है स्थान, स्थान का निर्वाचन। अब आप क्लास में जब क्लास ले रहे हैं तो उस समय देखिएगा कि आप कहाँ खड़े हैं, और आप जहां खड़े हैं वहां से आप सबको दिख रहे हैं कि नहीं, और सब बच्चे आपके सामने विजिबल है कि नहीं, आप सब पर सही तरीके से नजर रख पा रहे हैं कि नहीं। देखिए, एक चीज होता है, जैसे आप यहां पढ़ रहे हैं टीचर कैसे बनना है, और जाहिर सी बात है जब कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको सिखाने वाला भी कुछ लोग होंगे। तो अभी देखिए, आप लोगों का भूमिका बच्चों का है, आप लोग जो कर रहे हैं बच्चे वही करेंगे आपके साथ। अभी मानिए क्लास में अटेंडेंस को लेकर के बात हुआ, अभी मानिए मेरा लेक्चर सुनते सुनते गायब होने का बात हुआ, ये सभी आपके साथ बच्चे करेंगे। तो उस समय नॉस्टैल्जिया में तो रहिएगा जरूर कि हाँ हम लोग भी ऐसे किए हैं, मगर कोशिश ये रहना चाहिए कि आपका स्थान ऐसी जगह पर हो कि हर बच्चा पर आपका नजर हो, हर बच्चा आपको देख पाए, और आप जो भी बोलने का कोशिश कर रहे हैं वो कम्युनिकेट कर पाए उसके साथ। आपका क्लास में अर्थात क्लास रूपी पेंटिंग में स्थान का ये स्थान है। आशा है कि क्लियर है, नहीं होगा पॉइंट आप नोट करके रखिए, मैं फिर से बोलूंगी। अच्छा, अब है प्रमाण।
पेंटिंग में ये होता है नापी, आप जो चीज बना रहे हैं उसके साथ दूसरा कोई ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट डिस्टेंस, ठीक है, मैं प्रमाण का बात कर रही हूं, एग्जैक्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए और उस हिसाब से वो ऑब्जेक्ट कितना छोटा दिखना चाहिए। असल में रिगार्डिंग पर्सपेक्टिव, ये शब्द शायद आप लोग सुने होंगे, पर्सपेक्टिव में क्या होता है, जो सामान आपके सामने है वो बड़ा दिखता है, जो पीछे है वो छोटा दिखता है। मतलब आप अगर मानिए एक बोतल ले लिया हाथ में और उसको एकदम अपने सामने रख दिए तो वो बोतल जो है आपको बड़ा दिखेगा, मतलब उसे जो साइज का है वही ना दिखेगा। फिर आप एक मतलब एक मानिए 2-3 फीट दूरी पर उस बोतल को रख दिए, वो बोतल पहले से आपको छोटा दिखेगा, मगर वो बोतल छोटा नहीं हो रहा है, वो छोटा दिख रहा है, इट अपीयर्स लाइक दैट। तो उस समय पेंटिंग में इसका भूमिका यही है कि हम कितना दूर में एक चीज को रख रहे हैं, वो कितना छोटा लगना चाहिए, उसका साइज, उसका टेक्सचर क्या होना चाहिए। क्लास रूपी पेंटिंग में आपका यही चीज रहेगा, जो स्थान है उसके साथ प्रमाण एकदम लिंक्ड है कि आप जहां पर खड़े हैं वहां से आपका डिलीवर्ड लेक्चर या आपका दिखाया हुआ जेस्चर या आपका लिखा हुआ जो भी चीज आप बोर्ड पर लिख रहे हैं वो सही से बच्चा को दिख जा रहा है या नहीं, वो कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं। और सबसे बड़ी चीज जो है कि आपका जो लिखने का साइज है, नापी जहां पर आपको मेंटेन करना होगा, वो लास्ट बेंच का बच्चा तक सही पहुंच रहा है कि नहीं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है एक क्लास में आप जब अपीयर कर रहे हैं तब के लिए। असल में होता क्या है, लेक्चर बहुत अच्छा होना, कुछ दिन पहले जो सेमिनार हम लोग अटेंड कर रहे थे कॉलेज का ही, तो उसमें कुछ कुछ लेक्चर्स, कुछ कुछ क्या, सभी लेक्चर्स बहुत अच्छे थे, मगर एकाध जन सुवक्ता थे कि उनका लेक्चर छोड़ के 10 पल, मतलब एक पल भी हमको, मतलब 10 मिनट के लिए भी नहीं लगा कि अच्छा मैं होके आऊं कहीं से या तो मैं कुछ काम कर लूं, ऐसा नहीं, बैठ करके हम सुन रहे थे। तब मतलब क्या है, एक एक सक्सेस उनका था कि एकदम दिल तक पहुंच रहा था उनका हर बात। तो ये क्षमता जो है सब में एक समान नहीं होता, जाहिर सी बात है। मैं जो आपको कह रही हूं, मैं तो अपना पूरा कोशिश कर रही हूं कि आप तक मैं अपना भावना जो है, जो भी है मेरा चिंतन जो है, आप तक पहुंचा दूं, मगर ये आप तक पहुंचेगा कि नहीं, इसका थोड़ा सा ना पैरामीटर इधर उधर होता है। अभी कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे कि देखिए, हम अगर मानिए एक ऐसा चीज बोल दिए, मानिए हम हिमालय में रहते हैं और आप रेगिस्तान में हैं, और वहां बैठ करके हम बर्फ का क्या क्या एहसास हो रहा है, कितना ठंडा है आपको बोले जा रहे हैं, और यहाँ आप पसीना से लथपथ उसको सुने जा रहे हैं, तो एक कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। कौन किस जगह से बिलोंग करता है, कहाँ से आया है, उसका क्या बैकग्राउंड है, सब कुछ लेकर के ही एक बच्चा एक स्कूल में एक क्लास में पहुंचता है, और आप उसके साथ कितना हद तक जुड़ पा रहे हैं वो आपका लेवल पर भी डिपेंड करता है, तो थोड़ा सा अंतर रहता ही है। इसको हम लोग जितना कोशिश करेंगे कम कर सकते हैं, शायद वही घटा सकते हैं, वही मुश्किल ही नहीं नामुमकिन टाइप का थोड़ा सा वो गैप रह जाता है, मगर फिर भी ये प्रमाण जो मैं कह रही हूं इसको अगर आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करने का कोशिश करें तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आप पहुंच सकिएगा। ये जो भूलंब है, इसके बाद आता है भूलंब, ठीक है, ये तो ये भूलंब में, पेंटिंग में भूलंब जो हम कल कह रहे थे कि 90 डिग्री एंगल में कोई चीज को डिपिक्ट करना ऑन ए टू डायमेंशनल स्पेस। आप लोग हम जो जो बातें कह रहे हैं ये आम बातें ही हैं जो कल तक नहीं सोचे थे, ऐसा वाला बात। जैसे कि हम कल बोले थे कि रास्ता से कोई एक आदमी जा रहा है, इसको एक टू डायमेंशनल स्पेस में बना डालना बहुत आसान नहीं होता है। आप देखिएगा मैक्सिमम बच्चों का हम देखे हैं कि होता क्या है, फ्लैट हो जाता है, रास्ता तिरछा बनाया,
उसमें आदमी जरूर बनाए हैं, मगर लग रहा है रास्ते में वो चपटा हो गया। ये आप लोग के साथ भी होता होगा, सभी के साथ होता है। उसको किस तरह 90 डिग्री एंगल में खड़ा करना है वो भूलंब में आता है, ठीक है। तो इसको जो आप लोग जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ये खास करके पेंटिंग में, जब आप लोगों को पेंटिंग भी इसलिए बनाना जरूरी इसलिए है क्योंकि बच्चों के साथ जब आप इंटरेक्ट कीजिएगा तो बच्चे आपसे डिमांड करेंगे कि वह बना के दिखाए, तो उतना प्रैक्टिस कम से कम हर सब्जेक्ट के टीचर को भी मतलब रहना चाहिए कि वो उसको डिपिक्ट करके दिखा सके। तो ये आप लोग ये भूलंब के बारे में खास करके मैं कल से 2-3 बार कह चुकी हूं कि अगर इसको आप लोग थोड़ा सा ना प्रैक्टिस में लाइए तो देखिए प्रॉब्लम होगा, उस समय हमसे कम्युनिकेट कीजिए, हम आप लोग को बता देंगे सही से, ठीक है। अब इसमें क्लास रूपी पेंटिंग में आप किस तरह इसका एप्लीकेशन कीजिएगा, जैसे आप हमारे स्कूल में था वो डायस के ऊपर टीचर खड़े होकर के पढ़ाते थे, और कुछ कुछ स्कूल्स में ऐसा है कि ग्राउंड पर ही, जैसे जिस ग्राउंड लेवल पे आपका डेस्क वगैरह रखा हुआ है उसी ग्राउंड लेवल पे टीचर खड़े होकर पढ़ाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि डायस के ऊपर जो टीचर को डायस मिल जाता है उनको सुविधा ये है कि एंड तक उससे देख पाते हैं सही से, क्योंकि टीचर का हाइट पर भी डिपेंड करता है ना। आप अगर बहुत लंबे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका अगर एवरेज साइज है, आपका हाइट है, तो फिर लास्ट बेंच आपके दृष्टिकोण में सही से कितना दिखेगा, ठीक है। तो वो चीज थोड़ा सा आपको मैनेज करना है। आपके पास मानिए ऐसा स्कूल में आपका मैंने ये हो गया मतलब नौकरी आपको लगा, आप वहां पर एम्प्लॉय बने कि वहां पर डायस नहीं है और आपका हाइट एवरेज है, तो आपको एक हैबिट शायद करना जरूरी होगा कि कभी कभी आप चल के थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा साइड में जाके हर बच्चा को एक बार देख ले। एक जमाना था टीचर बैठ के पढ़ाते थे, उस समय का पाठशाला का वर्णन कभी कभी मिलेगा कि टीचर सो गए थे वगैरह वगैरह, वो जमाना बहुत पहले का हम बता रहे हैं, तो उस समय बैठ के पढ़ाते थे टीचर। अभी जितना भी स्कूल में आप जाइए मैक्सिमम में ये एडमिनिस्ट्रेशन रहता है कि आप खड़े होकर के पढ़ाइए, जब कॉपी चेक कर रहे हैं तब बैठिए, या तो कोई बोर्ड वर्क करके आप बैठ ही जाइए, बच्चा लोग कॉपी कर रहा है तो आप वहां पर एक अलग से एक स्क्रीन ना बंद करके बैठ गए और बच्चे बोर्ड से उसको उतार रहे हैं। लेकिन अगर आपको खड़े होकर के ही पढ़ाना है तो आपका मूवमेंट इतना फास्ट भी नहीं होना चाहिए कि बच्चा आपको खोजने लगे, धीरे धीरे आप हटिएगा ताकि बच्चा को डिस्टर्बेंस महसूस ना हो और आपका नजर सब बच्चों पर रहे और बच्चे एग्जैक्ट वर्टिकल पोस्चर में बैठे रहें, आप एग्जैक्ट वर्टिकल पोस्चर में बच्चों को देखते रहें, तभी एक आई कॉन्टेक्ट से लेकर के मेंटल कॉन्टेक्ट तभी बन सकता है। ये आप क्लास में फॉलो करेंगे तो आपके लिए भी और बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। अब है मधुरत्व, इसमें आप देखिए चित्र में मधुरत्व, कल मैं कह रही थी कि चित्र में जब हम लोग कोई भी चीज को बनाते हैं, मानिए एक वल्चर बना रहे हैं जिसमें कहीं दूर दूर तक कुछ मीठा चीज तो रहता नहीं है, वल्चर आप लोग शायद समझ रहे हैं जो गिद्ध, तो उसको जब हम पेंटिंग में डिपिक्ट कर रहे हैं, एक चीज हमारे ध्यान में रहना बहुत जरूरी है कि एवरी पेंटिंग इज हैविंग अ विजुअल इंपैक्ट। तो हम अगर इतना कुदर्शन एक अजीबोगरीब पेंटिंग बनाए तो लोग उसको देखे ही ना तो मैसेज को क्या समझेंगे, पेंटिंग तो मैसेज कैरी करता ही है। आप लोग खुद बना के जो हमको भेजे हैं तो उसमें भी देखिए हर कोई हम देख करके बहुत अच्छा लग रहा था, छोटा छोटा मैसेज उसमें आप लोग डाले हुए हैं और अच्छा लगा के बीएड के प्रशिक्षु जो लोग हैं उन लोग का पेंटिंग इसी तरह ही होना चाहिए कि एक मैसेज कैरी करे, कोई एक बच्चा जब देखे तो कुछ सीखे उस पेंटिंग से, बहुत अच्छा लगा।
तो अब पेंटिंग में जब हम लोग इसको मधुरत्व को यूज करते हैं, तो जिसको हम जो भी चीज को बना रहे हैं वो कितना खराब से खराब चीज भी क्यों ना हो, उसपे एक विजुअल माने प्लेजेंस जिसको बोलते हैं उसको रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें देखकर ही आपको वो रिपल्सिव लगे तो आप देखें ही ना तो मैसेज तक पहुंचेगा कैसे। पहले आप देखिए, गीत में भी एक सौंदर्य रहता है, उसका जो मूवमेंट है बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होता है और एक रिदम रहता है, उसको पकड़िए, सुंदर से उसको डिपिक्ट कीजिए, फिर उसका एक्शन पर जाइए, फिर उसका मैसेज पर जाइए, तो एट ए ग्लांस आपका पेंटिंग में जो स्वीटनेस रहना जरूरी है दैट इज मधुरत्व। अब आते हैं उस क्लास में जो कि मैं पेंटिंग की तरह बना रही हूं, उस क्लास में आप कभी ये शब्द इस्तेमाल किए होंगे, हालांकि इसमें मैंने कोट करके इसको अलग छाट ही दीजिएगा तो बेहतर, मगर देखिएगा बच्चों में ये बहुत होता है, अरे वो मैडम बहुत खड़ूस है, ये शब्द देखिएगा बच्चे यूज करते हैं, हमको बहुत ऑफेंसिव लगता है ये शब्द, मगर कहीं ना कहीं अगर हमारे ऊपर भी ये चीज कोई दे देता है विशेषण मेरे लिए, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ मी विथ माई जेस्चर, ठीक है। मधुरत्व में ये थोड़ा सा आता है, आप जब पेश आ रहे हो कहीं उसको इस तरह आप बच्चों से मिलो, बात करो कि बहुत ज्यादा कठिन एक विषय भी आप पढ़ाने गए होंगे तो बच्चे उसको इतना उत्सुकता से सुनेंगे कि वो समझ जाएंगे जल्दी, मगर आपका अपीयरेंस ऐसा रहेगा और आप इतना बीभत्स रूप में उसके सामने गए और इतना अजीबोगरीब जैसे से उसको बोलने लगे कि ये सब्जेक्ट मालूम है कितना भयंकर है, तो बच्चा भी सब्जेक्ट से डरने लगेगा। मुझे याद है, मतलब ये शब्द उस समय यूज तो हम लोग डर के मारे नहीं करते थे, क्योंकि उस समय अगर कोई बच्चा पिट के भी स्कूल से जाता था तो घर में और पिट जाता था, कि आज पिट गए अगर स्कूल में बोला तो घर में और पिटाई होती थी कि तुम कुछ गलत किए होंगे, बिना सुने ही गार्जियन पहले पीटते थे। तो एक जियोग्राफी टीचर थी, तो मैडम उनका कृष्णा दीदी मोनी, मतलब हम लोग बंगाली मीडियम से हैं तो कृष्णा दीदी मोनी हम लोग बोलते हैं, बोलते थे उनको, तो वो आते थे जियोग्राफी पढ़ाने, और ज्यादा से ज्यादा उनका जो क्लास होता था वो सेकेंड हाफ में होता था, मतलब टिफिन पीरियड के बाद में। विश्वास नहीं कीजिएगा, जिस दिन उनका क्लास होता था उस दिन कोई टिफिन नहीं खाता था, हर कोई ना बुक लेके बैठता था, जियोग्राफी बुक, और मैडम तो दिखती ही थी इतना, मतलब भयंकर ना, कि हम लोग देखते ही उनको जैसे आधा खून ना सूख जाता था, और वो दो तीन पैरा करके हर दिन पढ़ाती थी, और विश्वास नहीं कीजिएगा कंठस्थ कराती थी उसको, अगर एक शब्द कहीं इधर से उधर हो गया तो जियोग्राफी का तो पता नहीं मेरा, मतलब हम लोग का जियोग्राफी बदल जाता था, इतना इतना वो डांटते थे, कभी मारे नहीं मगर इतना डांटते थे, आप खड़े खड़े जो है ना आपका मुंह लगेगा सूख गया। तो अभी रास्ते में कभी मिल गई हो तो अभी भी हम लोग अवॉइड करते हैं, मतलब नमस्ते किए और चल दिए, मतलब उनसे बात करना अभी भी लगता है कि डरावना कुछ है। तो एक चीज मैं कहूंगी कि वो पढ़ाए तो थे मगर क्या पढ़ाए थे मुझे याद नहीं। और एक जियोग्राफी टीचर थी, इतना लविंग कि वो आते थे तो हम लोग हंसी मजाक करते थे, थोड़ा इनडिसिप्लिन हो जाता, बच्चों का थोड़ा सा प्रॉब्लम है अगर बहुत आप मधुर उसके साथ व्यवहार करेंगे तो बच्चा थोड़ा सा सर चढ़ जाता है, ऐसे ही मतलब लैंग्वेज में ही समझाना आसान होगा, तो हम लोग भी करते थे, मगर उनका पढ़ाया हुआ हर लफ्ज मुझे याद है। ये होता है मधुरत्व, प्रेजेंटेशन आपका अपना प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, बच्चे आपके साथ कैसे पेश आएंगे वो डिपेंड करता है आप कैसे पेश आ रहे हो उस पर, तो मधुरत्व ये मैंने दिस इज अ वेरी नेसेसरी पॉइंट एज अ टीचर, आपको बहुत अच्छा से आप खुद देखिए। अभी आप लोग
ग्रोन अप है बेसिकली। हम लोग आपके सामने हम लोग लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, आप लोग ही टीचर ही है ये सोच करके ही हम लोग तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मगर देखिए आप लोगों से हम लोग कितना कितना बोल सकते हैं, एक लिमिटेशन है। अभी क्लास के शुरुआत में ही ज्यादातर जो चीज बोल रहे थे अटेंडेंस के बारे में, डांट ही तो पड़ रही थी, लेकिन वो जिस तरह बोले, हम होते तो उतना अच्छा से नहीं बोल पाते, इतना हम बोल सकते हैं। बहुत अच्छा से इस चीज को वो एक्सप्लेन किए, स्ट्रिक्ट है मगर बहुत सुंदर से उसको वो एक्सप्लेन किए। हम उदाहरण आपके सामने इसलिए झासर का दिए क्योंकि तुरंत आपके साथ ये चीज हुआ और इसका प्रेजेंटेशन झासर का कैसा था, दिस इज मधुरत्व। ये एक टीचर में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप प्रिंसिपल मैम से भी जैसे हम लोग बात करते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है मैडम, लेकिन किस तरह उस चीज को वो प्रेजेंट करती है, दैट इज मधुरत्व। आप कैसे भी कॉलेज में, आप कहीं भी जाइए, स्कूल में जाइए, हमको याद है केंद्रीय विद्यालय में कुछ दिन हम काम किए थे तो वहां पर एक प्रिंसिपल सर थे। केंद्रीय विद्यालय का बच्चा संभालने लायक बच्चा नहीं होता है, वो लोग बहुत ज्यादा ही माने उद्दंड बच्चे होते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल सर थे, पूर्वे पीआर पूर्वे सर थे, तो काफी माने उनका पर्सनालिटी ना देखने लायक था, बहुत एकदम टॉल हैंडसम एकदम बहुत अच्छे एकदम थे और काफी ज्ञाता आदमी थे, मतलब कुछ भी सब्जेक्ट पर आप बोलिए, केमिस्ट्री के पीएचडी थे वो, लेकिन बहुत मतलब ज्ञाता आदमी, हर सब्जेक्ट में भी कुछ ना कुछ आप उनसे सीख सकते हो, इस टाइप के लोग थे। तो वो बिफोर रिटायरमेंट मतलब हार्ड जब रिटायरमेंट उनसे हम मिले, तो एक दिन देख रहे हैं कि वो क्लास मतलब अपने चेंबर में एक बड़ा सा छड़ी लेकर के बैठे हुए हैं, तो हम ऐसे ही घुसे तो सर से मजाक भी थोड़ा बहुत हम लोग करते थे। सर को बोले, सर ये इतना बड़ा छड़ी लेके आप बैठे हुए हैं, तो बोला अरे मैडम मत पूछिए, इतना ये लोग बदमाश है बच्चा लोग, हम इस लोगों को सबको पीटेंगे। तो हम बोले ठीक है, तो ऐसे ही वो भी मजाक किया थे, तो ऐसे ही बोले पर सबको पीटेंगे, जानते हैं झाड़ी झाड़ी सब कटवा रहे हैं हम, बदमाशी करता है झाड़ी के पीछे छुप जाता है, तो हम सबको ठीक किए हैं, सबको आज प्रेयर लाइन में हम दिखा दिए हैं, इतना बड़ा छड़ी लेके हम बैठे हुए हैं, तुम लोगों को पीटेंगे हम, ठीक है। तो फिर अगले दिन जब गए तो देख रहे वही छड़ी जो है टूटा हुआ उनके सामने पड़ा हुआ है। हम बोले क्या हुआ सर, छड़ी टूट गया। बोला जानते हैं, बोले कि सर बोले कि जानते हैं मैडम, इतना थेथर बच्चा है सब, कल पीटते पीटते छड़ी टूट गया लेकिन बच्चा नहीं सुधरा। तो ये सब चीजें जो है मतलब क्या बोले, मैंने सर का प्रेजेंटेशन उसी तरह था मतलब, तो जो भी है मतलब मधुरत्व इस तरह बोले तो कि सर का वो स्पेस वो छोड़ा हुआ कुछ कुछ था कि बच्चे उतना बदमाशी तो कर लिए, ठीक है, मगर फिर भी उनका हम देखे कि सक्सेसफुल टीचर थे वो, बहुत सक्सेसफुल टीचर थे और प्रिंसिपल भी काफी सक्सेसफुल रहे, तो लेकिन उनका जेस्चर्स टुवर्ड्स स्टूडेंट्स बहुत अच्छा था। असल में बाद में जो चीज पता चला कि वो छड़ी खुद ही तोड़ दिए थे, बच्चों को बोले कि देखो तुम लोग इतना बदमाशी किए मेरा छड़ी टूट गया करके तोड़ दिए थे। तो नहीं होता है, असल में हम एक चीज बोल रहे हैं ना, टीचिंग एक प्रोफेशन नहीं, अगर पैशन बन जाए तो इसका मायने ही बदल जाए। आप खुद देखिएगा कि आपके जीवन का कोई लक्ष्य आप खुद ढूंढने अभी बैठ करके कि हाँ ये बीएड खत्म करके मुझे नौकरी करना है, ये तो लक्ष्य नहीं हुआ। एक लक्ष्य ऐसा बनाइए कि जब हम रिटायर कर जाएं, इस प्रोफेशन से निकल जाएं, या तो इस प्रोफेशन से निकलना नामुमकिन है क्योंकि ये आखिर तक, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आखिर तक हम लोग स्टूडेंट्स रहेंगे, आप अगर टीचिंग प्रोफेशन में है तो आखिर तक आप टीचर भी रहिएगा साथ में, लेकिन वही है कि रिटायरमेंट के बाद भी देखिएगा लोग आपको याद कर रहे हैं, वो लक्ष्य होना चाहिए। और ऐसा है कि आज ही सुबह आप लोगों का क्लास लेंगे तो किस तरह इसका प्रेजेंटेशन होगा, जब मैं उसका कुछ ये कर रही थी माने एक बना रही थी चार्ट टाइप का अपने मन में, मैं लिख के नहीं बनाती थी, मेरा थोड़ा सा ड्रॉबैक है, मगर उस समय एक टीचर के बारे में याद आया, वो अभी दुनिया में नहीं है मगर उनका बोला हुआ कुछ शब्द मुझे याद आया जब आप लोगों का क्लास लेने के लिए मैं सोच रही थी। तो मैं सोची कि ये होता है एक सक्सेसफुल टीचर, जो आज गुजर गए करीब करीब हमको लगता है
28 साल हो गया, लेकिन उनका कोई बोला हुआ शब्द आज मुझे गाइड कर रहा है। ये होना चाहिए एक शिक्षक का लक्ष्य कि मैं गुजर जाऊं मगर मेरा जो कहा हुआ शब्द है वो रह जाए बच्चों में, तभी वो आगे को दे पाएगा, आगे को पीढ़ी को, आगे का पीढ़ी जो है उसको दे पाएगा, कन्वे कर पाएगा उस चीज को, तभी तो इस प्रोफेशन का एक सक्सेस आता है। खैर, ये रहा मधुरत्व। इसके बाद आया विभक्तता, दैट इज स्पेस डिविजन। जैसे हम एक चीज बोल रहे थे स्थान में, जैसे हम लोग जब स्थान को पढ़ रहे थे तो उस समय हम प्लेसिंग के बारे में बोल रहे थे। उसके बाद प्रमाण में एक सामने चीज, दूर में चीज और उसका जो नापी है वो चीज को हम लोग बोल रहे थे। अब आइए विभक्तता में। विभक्तता में क्या होता है? स्पेस डिविजन, कैसे आप स्पेस को डिवाइड कीजिएगा, किसमें क्या, मतलब आप एकदम एक आसान सा, आपको मैं उदाहरण देती हूं। जैसे एक लैंडस्केप आप बना रहे हो, लैंडस्केप बोलने से बहुतों को समझ में नहीं आता, जैसे आप लोग सीनरी बोलते हो उसको, तो उस लैंडस्केप में आप सबसे पहले जब कॉपी लेके बैठते हो तो उसके उसमें कहां आसमान बनाओगे और कहां जमीन बनेगा, इसका एक कल्पना आपके दिमाग में आता है और उस हिसाब से होराइजन, होराइजन को हम लोग बना लेते हैं सबसे पहले। दैट मीन्स के वो डिविजन बना लेते हैं कि आसमान कहां और जमीन कहां, वो डिवाइडर लाइन जो है उसको हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं। वो हो गया कि एक स्पेस को हम दो हाफ में बांट लिए कि ये मेरा आसमान, ये मेरा जमीन। फिर उसके बाद मानिए उसमें एक कॉटेज बनाइएगा, वो कहां पर बनाइएगा, उसको एक प्लेस दे दिए, दैट इज स्थान दे दिए, और उसके सामने आप बनाइएगा एक पेड़। तो अगर कॉटेज के सामने आप पेड़ बना रहे हो तो हो सकता है पेड़ के एक टहनी से आपका कॉटेज थोड़ा ढक जाए, लेकिन वो पेड़ आपके कॉटेज से आगे बनना चाहिए। आप उसका स्थान निर्णय किया है पेड़ का, फिर एक प्रमाण का बात आ जाता है कि वो पेड़ के साथ उस कॉटेज का डिस्टेंस क्या हो रहा है, तो कितना गैप मेरा रहना चाहिए और कितना बड़ा मेरा पेड़ होना चाहिए जो कि सामने है, ठीक है, और कितना छोटा मेरा कॉटेज होना चाहिए जो कि पीछे है। तो देखिए, विभक्तता समझाने में शुरू की थी, इसके साथ एकदम बिल्कुल ये स्थान और प्रमाण जुड़ा हुआ है विभक्तता के साथ, ठीक है। तो अब ये स्पेस डिवाइड किए, फिर स्थान निर्णय किए, उसका प्रमाण निर्णय किए, फिर उसके बाद आप फिर से चले गए आसमान में। अब आप फिर एक डिविजन बना रहे हो बादल के लिए या पंछी के लिए या सूरज के लिए, कुछ भी। अब जमीन जो बनाए उसमें आपको लगा कि यहाँ एक नदी या तालाब हो जाता, तो आप उसके लिए एक स्पेस डिविजन, फिर एक विभक्तता में आए, एक स्पेस डिविजन बनाए, फिर उसमें आपको एक नाव बनाना है, उसका स्थान निर्णय किए, फिर वो नाव कितना बड़ा होगा प्रमाण निर्णय किए, और आपका पेंटिंग बन गया, ठीक है। ये होता है आपका एक पेंटिंग में विभक्तता का पोजीशन। अब आप समझ गए होंगे कि एक क्लास में विभक्तता को कैसे हम यूज करेंगे। एक दिमाग में तो आप लोगों का भी आ रहा होगा, हालांकि ये अगर वर्चुअल क्लास नहीं होता तो अभी मैं आप लोगों से पूछती कि किस तरह आप लोग विभक्तता को यूज कीजिएगा। झा सर, हेलो झा सर, सर थोड़ा बच्चों से क्या इंटरेक्शन हो सकता है कि विभक्तता के बारे में उन लोगों का क्या आइडिया है? बिल्कुल जी, थोड़ा सा करवाइए, थोड़ा सा। हम सभी लोगों को अनम्यूट कर दे रहे हैं, सभी लोगों को, जिनसे भी कुछ पूछताछ करनी हो तो आप पूछ सकती हैं मैडम से बारी बारी से, या फिर आप हाथ रेज कर लें, हम डायरेक्टली आपको अनम्यूट कर देंगे, आप मैडम से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। जी, हाथ रेज करवाइए, दैट विल बी बेटर, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जो भी कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी को भी, काइंडली आप हाथ रेज कर लीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। किसी को कुछ पूछना है? मेरा एक क्वेश्चन है झा सर। जी जी, हाँ हाँ, जो कि बच्चों से मैं करने का कोशिश कर रही हूँ कि जब तक मैं इतना दूर तक जो समझाई
अब मैं विभक्तता को अभी डिस्क्राइब नहीं करके उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि विभक्तता के बारे में उन लोगों का क्या आइडिया बनना, तो इसीलिए जब मुझे थोड़ा पता चलेगा ये लोग इतना देते कितना क्या सुन रहे थे और क्या समझ रहे थे, तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे, हाँ जी, ये क्वेश्चन आप उन लोगों को दीजिए। हाँ चलिए भाई, क्वेश्चन ये है मैम का कि विभक्तता से क्या आप समझते हैं। कल के सेशन में जो भी बातें डिस्कशन हुई उसके बारे में किन्हीं को कुछ पता है विभक्तता के बारे में, विभक्तता क्या है? शिवमणि कुमारी आपने हाथ रेज किया है, शिवमणि आपको हम, रितिका पांडे ने भी हाथ रेज किया है। सबसे पहले शिवमणि आप पहले बता दीजिए कि आप विभक्तता का मतलब क्या समझती है। शिवमणि आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, बोलिए बोलिए। विभक्ता मतलब जो हम जिस पेज को हम लोग लेते हैं चित्र बनाने के लिए, तो उसमें जो डिसाइड करते हैं कि कौन सा चित्र, जैसे कि मान के चले कि पेड़ है तो पेड़ को कहाँ पे लगाना है, चिड़िया आदि दे दिए तो चिड़िया कहाँ पे रहेगा, आसमान बना रहे हैं तो आसमान किस जगह पर अरेंज होगा, उसमें सूरज आदि डाल रहे हैं तो सूरज कहाँ पे अरेंज होगा, तो ये सब जो चित्र के अंदर जो जितनी भी चीज डालते हैं वो किस किस जगह पर डालना है, उसका अरेंज कैसे करना, इसी को विभक्ता बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम सही समझी हैं। आप थोड़ा सा ये मुझे मतलब सोच करके बताएं कि इसको अगर आप क्लास में, जैसे मैं बोली ना कि क्लास को एक चित्र के रूप में मैं वर्णन कर रही हूँ, तो अगर क्लास में आप इसको अप्लाई कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, आप कुछ आइडिया अगर कर पा रही हैं तो मुझे बताइएगा, नहीं तो मैं तो बताऊंगी ही, आप बताइए। हेलो, आपका आवाज थोड़ा सा कट रहा है। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए, जी बोलिए। जैसे क्लास में ये ब्लैक बोर्ड के बारे में बोल रहे हैं कि क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर कैसे बताएंगे, ब्लैक बोर्ड पर कैसे बताइएगा, ये तो बहुत अहम है। अगर उतना ही आप आइडिया कर पा रही है तो बताया जाए, कोई दिक्कत नहीं, उसको बोलिए फिर हम भी कुछ कुछ बताएंगे, एक साथ में इसका आइडिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलिए ब्लैक बोर्ड में कैसे कीजिएगा, बोलिए। बोर्ड में यदि हम नदी का झरना का चित्र दे रहे हैं और उसमें पहाड़ का भी बनाना है और उसमें सूरज भी अरेंज करना और साइड में पेड़ पौधा भी लगाना है, तो जी। सबसे फर्स्ट ब्लैक बोर्ड का फर्स्ट में सबसे ऊपर वाला जगह पे स्थान पे हम पहले पहाड़ बनाएंगे और पहाड़ के बीच में जो गैपिंग होता है वहां पे हम सूरज अरेंज करेंगे और पहाड़ के नीचे में नदी बना रहे तो नदी देंगे या तो या झरना दे रहे हैं तो पेड़ के पहाड़ के ऊपर से झरना को नीचे तक खींचेंगे और राइट साइड में पेड़ का ब्लैक बोर्ड के मतलब कि राइट और लेफ्ट में दोनों साइड बीच बीच में पेड़ का सीन डाल सकते हैं, हो सकता है तो उसमें नदी भी तो नदी बनाएंगे नीचे पहाड़ के नीचे उस बीच में एरेंज नाउ भी कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड में। जी अच्छा, आपका विषय क्या है, आपका पढ़ाई का विषय क्या है, अपना सब्जेक्ट आप क्या सब्जेक्ट? हिंदी ऑनर्स है। ठीक है, चल ओके ओके ठीक है, थैंक यू। मैं इसके बाद जैसे और बोलिए बोलिए। ये भूलंब वाला वो नहीं समझ में आ रहा कि 90 डिग्री वो क्या है जी, इसको मैं तो जैसे हाँ 90 डिग्री एंगल में जैसे आपको मैं बोल रही थी कि टू डायमेंशनल जो हमारे हाथ में जो पेज रहता है वो तो चारों तरफ से पकड़ने वाला चीज है नहीं, एक तरफ और दूसरा तरफ हम लोग को मिलता है एक पेज का, तो इसके ऊपर जब कोई चित्र हम लोग बनाते हैं वो थ्री डायमेंशनल होता है। थ्री डायमेंशनल मतलब क्या है कि चारों तरफ से जिस चीज को हम लोग पकड़ पाते हैं वो है थ्री डायमेंशनल चीज, त्रिमात्रिक। तो उस चीज को जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग इसका इफेक्ट बनाते हैं सिर्फ, ठीक है, एक टू डायमेंशनल को किस तरह कल लास्ट शुरू से अंत तक बने थे लेकिन मेरा नाम भी दिख रहा है। हम तो डायरेक्ट जूम से निकाल रहे हैं, थोड़ी जल्दी से निकाल रहे हैं। अच्छा, तो इससे कैसे हम लोग उसको कैसे बनाए कि वो पेपर से उठा हुआ लगे, आप समझिए जिसको अपना रिकॉर्ड करता है।
क्या वॉइस आ रहा है? हेलो जी, हाँ जी, हाँ हाँ, कुछ अलग आवाज आ रहा है। अच्छा तो अच्छा, जिनसे मैं बात कर रही थी वो सुन पा रही हैं मुझे? हेलो 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 शिव मनी, आप सुन रही हैं? हेलो शिव मनी, आप सुन रही हैं मैडम को? लगता है कि वो नहीं सुन पा रही हैं। आप, हाँ, आप हमको लग रहा है, बताना चाहते हैं बताएं। अच्छा, और एक कोई कुछ बताना चाह रही थी, शायद हैंड रेज की थी। हाँ, रेज की हुई है अभी। रितिका पांडे, रितिका पांडे अपना क्वेश्चन पूछिए। रितिका सर, क्वेश्चन नहीं है मैम। जी, हम जो पूछे थे। हाँ मैम, एक्चुअली विभक्ता उसे हम लोग कहते हैं कि मतलब कि अगर हम एक पिक्चर हम लोग कोई बनाना चाहते हैं, ठीक है, जी, सबसे पहले जी, हम लोग उसको माइंड में डिस्क्राइब करेंगे कि कोई भी कोई ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ कहाँ उसको मतलब फिट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सिनेरियो अगर बना रहे हैं तो ऐसा हाँ, ऊपर की तरफ होना चाहिए, मतलब जी, होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, नाव सेंटर में बीच में नहीं होना चाहिए। जी, इस तरीके से हम लोग एक एक अगर एंगल फिट कर दे तो शायद वो सिनेरियो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। अब बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इसको क्लास में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बच्चे को ब्लैक बोर्ड में कुछ बता रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे, ऐसा जी, हम लोग बीच में ही खड़े होके कुछ लिखवाने लगे, इससे बच्चे लोग वो चीज देख नहीं पाएंगे। और ना ही यस 45 मिनट्स का हम लोग का ड्यूरेशन रहता है तो वो बच्चे लिख नहीं पाएंगे, बिल्कुल वो लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। भेज रहा है स्क्रीनशॉट के सर, देखिए हम स्क्रीनशॉट में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 130 डिग्री के हम लोग एंगल में अगर हम लोग साइड में खड़े रहें और अपने हाथ से अगर हम लोग बच्चे लोगों को समझाएं और पीछे पलट के देखें भी कि बच्चे क्या कर रहे हैं और अपना पढ़ाएं भी, तो शायद हम इसको विभक्ता एक हम लोग अपने क्लास में कर सकते हैं। Awesome, awesome. आपका ये एक्सप्रेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं असल में अच्छा ये लग रहा है कि मैं जिस तरीके से एक क्लास को पेंटिंग के तरह डिपिक्ट करने का कोशिश कर रही हूँ, आप बहुत अच्छा से सुन रही हैं क्लास को, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, चलिए ओके, ठीक है। अब मैं देखिए, ये जो इनका जो एक्सप्लेनेशन था रिगार्डिंग विभक्तता, बहुत सही मतलब ये एक्सप्लेन कर चुकी हैं कि बोर्ड में किस तरह हम लोग जब कुछ लिख रहे हैं तो किस एंगल में मुझे खड़ा होना चाहिए, किस कितना देर तक बोर्ड को इनक्रोच करके मैं लिखती रहूं, और मैं इनक्रोच करके ऐसे लिख रही हूं कि बच्चे बोर्ड को ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर आता है स्पेस डिविजन का सेंस, आपका खुद का, ठीक है, और एक स्पेस डिविजन, ये थोड़ा सा क्रिटिकल स्पेस डिविजन है जो कि आप लोग जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपका एज टीचर बढ़ते चलेगा, एक हर बच्चा एक स्पेस है आपके लिए, एक ब्लैंक स्पेस जिसको हर दिन आप नरिश करते हैं नॉलेज से, ठीक है। अब देखिएगा, कैचिंग पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, आप 10 दिन एक क्लास में जा रहे हैं तो 10 दिनों में आप देखिएगा हर बच्चे का मिनिमम आईक्यू क्या है, मैक्सिमम आईक्यू क्या है, किस तरह लेता है, किस चीज को पसंद करता है, किसको नापसंद करता है, आपके सामने तस्वीर की तरह देखिएगा खुल जाता है। तो यहां पर ये डिविजन, जैसे ये जो एक्सप्लेन की बोर्ड का बहुत सुंदर से बहुत सही तरीके से कि हर कोई बोर्ड को किस तरह देख पाएगा और उसको लिख पाएगा, वहां से उतार पाएगा, ये जैसे मेरा सेंस होना चाहिए। दूसरा चीज विभक्तता का और एक हिस्सा है कि हर बच्चा इज अ गिवन स्पेस फॉर मी, जिसमें मैं लिखूं कि क्या वो कितना नॉलेज गेन कर पाएगा, उतना नॉलेज मैं लिखूं उस गिवन स्पेस में, तो वो कौन बच्चे का कैचिंग पावर क्या है उस हिसाब से उसको डिवाइड करना होगा, जो कि बाहर से नहीं दिखेगा। दिस डिविजन शुड बी इन माय माइंड, हम कैसे इस बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं, दूसरा बच्चा को लगना नहीं चाहिए कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट हम उसको दे रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है इसका आईक्यू थोड़ा सा कम है, मुझे ज्यादा दिखना इसको देखना चाहिए। बगल वाला बच्चे को ये लगना नहीं चाहिए कि मैम या सर ज्यादा देर तक इस बच्चे को देख रहे हैं या प्रायोरिटी दे रहे हैं,
बच्चा नेग्लेक्टेड नहीं फील करना चाहिए। जैसे ऐसा किसी बच्चा को लगना नहीं चाहिए कि मैम तो आती है तो मुझे ही पढ़ाती है या सर तो आते हैं तो मुझे ही देखते हैं, ये जैसे फील नहीं होना चाहिए, वैसे ही दूसरा बच्चा को ये कभी नहीं फील होना चाहिए कि सर या मैम आएंगे तो उसी को तो देखेंगे, हम लोग तो अरे गारे ना तो कह रहे हैं, ये नहीं लगना चाहिए दूसरे बच्चे को। दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन ए क्लास। और ये विभक्तता में, विभक्तता का और एक विभाजन इसको कहिए, जैसे बोर्ड को टैकल करना क्या होता है, क्लास को टैकल करते समय आपको कैसे करना होता है। जैसे कोई आवाज आ रहा है, एक्स्ट्रा आवाज आ रहा है, हेलो, हाँ जी सर। अच्छा अब आइए सादृश्य, सादृश्य में हम लोग क्या देखते हैं, सादृश्य में पेंटिंग में आइए सादृश्य, इसमें आप लोग देखिए, झा सर, हेलो झा सर, माइक अनम्यूट किया हुआ है लग रहा है। अच्छा शादी से मैं आइए, शादी से मैं क्या होता है, देखिए हम कल आप लोगों को बोले थे, जैसे अभी मैं अगर क्लास में होती तो किसी को आप लोगों को बोलते, अगर बोलती मैं कि बताइए किसी हिंदी गाने को बताइए, जहां पर सादृश्य का बहुत अच्छा उदाहरण मिलेगा, तो ये गाना तो जरूर सुनने को मिलता है, ये हिरनी जैसी आंखें वाला जो गाना, उधर से कोई सेक्शन नहीं है, इस तरह का जो उदाहरण देखिएगा, कुछ कुछ दिया जाता है, जो भी होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। हेलो झाजी, जी हाँ बताएं बताएं जी, कोई अनम्यूट किया हुआ है माइक, क्या थोड़ा आवाज आ रहा है थ्रू आउट, जी जी हाँ बताइए बताइए जी, हाँ नहीं नहीं कोई माइक अनम्यूट रह गया क्या, देखिए तो थोड़ा सा आवाज आ रहा है बीच बीच में, कॉन्वर्सेशन आ रहा है कुछ एक्स्ट्रा जी, नहीं अभी नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा, ओके हाँ जी ठीक है ठीक जी। अच्छा तो सादृश्य में क्या होता है, जैसे वो हम बोले ना कुछ हिंदी गानों में भी आपको मिलेगा, सिनेमैटिक रिप्रेजेंटेशन में आपको मिलेगा, ये उस जैसा है, चोटी सांप के साथ उसका कंपैरिजन, या तो जैसे मछली का आकार के साथ आंखों का, हिरनी जैसी आंखें जैसे बोला जाता है, हिरन का आंख जैसा उसका आंख, मछली के आकार जैसा उसका आंख, ठीक है, इस तरह का कंपैरिजन दिया जाता है, तो वो होता है सादृश्य। किसके साथ, फॉर्म को हम कंपेयर कर सकते हैं। पेंटिंग में बहुत एक जरूरी ये चीज होता है, आप लोग अगर असल में हम उदाहरण सिर्फ देते रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हम कल कोशिश करेंगे, ये बातों बातों में ये बात आएगा, मुझे अगर ये होता तो मैं प्लेट बना के लाती, लेकिन ठीक है मैं कल जरूर इसको दिखा दूंगी कि जैसे कभी कभी आप लोग देखिएगा कोई पेंटिंग आप लोग देख रहे हैं कि लग रहा है किसी का फेस है, बहुत देर तक देखिएगा फिर पता चलता है ये कुछ नहीं एक लैंडस्केप है, ये कभी कभी हम लोगों को मिलता है इस तरह का पेंटिंग, अभी तो नेट के दुनिया में ऐसा पेंटिंग आप खोजिएगा तो हजारों मिलेगा, और सुररियलिज्म एक 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 फेज था फाइन आर्ट का, डेवलपमेंट के रास्ते का एक फेज था, वो माइलस्टोन कहिए कि उस समय कुछ आर्टिस्ट इस तरह बनाते थे, साल्वाडोर दाली वगैरह नाम तो सुने होंगे जरूर, तो उन लोग का था कि जैसे आपको लग रहा है कि बहुत भयंकर कोई फेस है और गौर से देखते 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 आपको लगा कुछ नहीं था, वो एक सोफा सेट सजाया हुआ इंटीरियर था, ठीक है, तो वहां क्या है, सिमिलरिटीज को यूज किया है बहुत ज्यादा। इंडियन पेंटिंग में आप देखिएगा जैसे शकुंतला या तो सीता देवी का कोई चित्र बना हुआ है कुछ है, तो उसमें जैसे एकदम बड़ी बड़ी सी आंखें, लंबी सी चोटी, वो सब कुछ करके, और हाथों को इस तरह जैसे उसका दिया गया है जैसे लगे कमल की कलियां हैं, इस तरह मतलब उसको वो सादृश्य को ध्यान में रखते हुए ही उस तरह पेंटिंग बनाया जाता था। अब आइए क्लास में इसको आप कैसे क्या कीजिएगा, जब जब आप मानिए अपना विषय पर ये आधारित रहेगा
ऑब्वियसली हम आपको तो एक जनरल नॉलेज दे रहे हैं कि चलो ठीक है इस तरह आप लोग इस्तेमाल करोगे, लेकिन जैसे अभी बात हुई एग्जाम से, जैसे उनका सब्जेक्ट हिस्ट्री, अब हिस्ट्री में वो जब कंपेयर करेंगे, हिस्ट्री में मानिए कोई एक शासक का समय काल आप वर्णन कर रहे हैं, तो एक बच्चा जो सुन रहा है उसको तो पता भी नहीं है कि वो राजा कैसा था, दिखता कैसा था, चलता कैसे था, क्या खाता था, कहाँ रहता था, कुछ नहीं मालूम। अब देखिए हिस्ट्री के बारे में बच्चों का एक एक जनरल एक्सप्रेशन है बोरिंग लगता है, लेकिन मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहा हिस्ट्री, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, हम जितने भी हिस्ट्री टीचर से मिले, हिस्ट्री का वो लोग इस तरह बताते थे ना कि वो 45 मिनट लगता था हम कहीं अतीत में चले गए और वहां घूम रहे हैं, खुद विजुअलाइज कर रहे हैं उस हिस्टोरिकल प्लेस को, वो हिस्टोरिकल पर्सनालिटी को, हम उनसे मिल रहे हैं। पढ़ाई ऐसा होना चाहिए, हिस्ट्री जब आप पढ़ा रहे हैं तो उस तरह पढ़ाइए कि बच्चा को लगे कि he or she is a part of that particular era, ये लगना चाहिए, तब वो हिस्ट्री से प्यार करने लगेगा। तो उस समय ये सादृश्य बहुत काम आता है, उस बच्चा को पहले पहले उस जगह पर ले जाने के लिए उसके जमाने का ऐसा कोई शासक का उदाहरण, उस जमाने का जिस जमाने का आप पढ़ा रहे हैं उनके साथ कंपेयर करके फिर आप शुरू कीजिए, तो बच्चा इजीली कम्युनिकेट कर पाएगा कि वो कैसा हुआ करता था उस समय। और ये भी जैसे आप सोचिए, मैं कुछ दिनों से एक सीरीज देख रही हूँ शार्लक होम्स का, शार्लक होम्स हमारे जमाने में, हम मैंने 1980s का बात कर रहे हैं, उस समय शार्लक होम्स टीवी पे आता था हर संडे को, शायद दोपहर को, मुझे अब समय याद नहीं, मतलब बहुत फांकी मार के उसको हम लोग देखते थे, जैसे बहुत अच्छा लगता था। तो बीच में शार्लक होम्स सीरीज जब मेरा बेटा ले दिखाया कि शार्लक होम्स, हम बोले अरे हमारे जमाने में वो जो शार्लक होम्स बने थे ना, तो तुरंत जो है ये खोज खोज के हम उसको खोज के दिखाए कि ऐसा शार्लक होम्स हुआ करता था हमारे जमाने में जो सीरीज बना था। तो अभी का वो रिसेंट जो शार्लक होम्स सीरीज मुझे दिखा रहा है, तो उसमें हम कुछ सिमिलरिटीज हमको मिला उस प्लेयर, मतलब जो ऑलरेडी कर चुके हैं शार्लक होम्स का किरदार निभा चुके हैं उनके साथ इनका कंपेयर करके मुझे थोड़ा सा सिमिलरिटी मिला, और उसको मैं देख रही हूं। और एक मजेदार चीज आप लोगों को बता दूं कि वो शार्लक होम्स घोड़ा गाड़ी चढ़ के एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, वो हमारे जमाने में जो शार्लक होम्स हम लोग देखते थे, ठीक है, और इस जमाने का शार्लक होम्स कैब बुक करके कहीं जाते हैं, अंतर समझिए। और वहां जब शार्लक होम्स कोई मैसेज भेजते थे तो एक टेलीग्राम करते थे या छोटा छोटा टुकड़ा कागज का टुकड़ा में लिख करके वो सेंड करते थे किसी के जरिए, आज के जो शार्लक होम्स है वो एसएमएस करते हैं। ये काल्पनिक चरित्र है, और काल्पनिक चरित्र को कल्पना का किस दिशा में ये लोग ले गया, सोचिए कि आज के पटभूमि में उस शार्लक होम्स को ये लोग डिपिक्ट कर रहे हैं। तो सादृश्य ये होता है, मतलब यू कैन कनेक्ट विद दैट पर्टिकुलर पर्सनालिटी। देखिए आप इसको ऐसे सोचिए, जैसे महाभारत का आप कोई सीक्वेंस बता रहे हैं किसी बच्चा को, जब संजय, आप लोग महाभारत, हमको आशा है कि कुछ ना कुछ आप लोग पढ़े होंगे, तो संजय बैठ करके पूरा महाभारत में वो जो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं बैठ करके, ठीक है। तो उसी समय तब हम लोग सोचते थे, बताओ तब टीवी बन चुका था क्या, कैसे वो बता रहे थे, कैसे वो बता रहे थे। आज के डेट में जब सोचिए आप बोलिएगा भीम तो पानी लाने गया तो इतना देर तक नहीं लौटा, देख करके अर्जुन फिर देखने गया फिर वो नहीं लौटा, फिर ये बच्चा सोचेगा एसएमएस क्यों नहीं कर दे रहा है उसको। क्योंकि आप एक चीज मत भूलिएगा कि जमाना बदल चुका है, कोर्स जरूर अप टू डेट किया जा रहा है, मगर आप सोचिए हर समय आपसे 10 कदम आगे टेक्नोलॉजी कूद रहा है,
आपके सामने, ठीक है, वो आगे बढ़ रहा है। और आप जो है जहां खड़े हैं जिस जमाने में आप माने अप टू डेट अपने आप को महसूस कर रहे हैं, बच्चा आपसे 10 कदम आगे अपडेटेड है। अब आप जब बता रहे हो जानते हैं ये चीज घोड़ा से वो गए, 3 महीना लगा था, बच्चा सोच रहा है एरोप्लेन से क्यों नहीं गया, उसको मालूम ही नहीं उस जमाने में एरोप्लेन नहीं था, तो उसको वो चीज बोलना पड़ेगा। तो सादृश्य में ये सब चीजें हैं कि आपको किस तरह आज के जमाने के बच्चों को हिस्ट्री का वो जमाने में विचरण करवाना है एक स्पॉन्टेनियस तरीके से, वो सादृश्य से ही आप लेके जा सकते हैं। ये हर सब्जेक्ट के लिए, मैं सिर्फ हिस्ट्री का उदाहरण दे रही हूँ, हर सब्जेक्ट के लिए ये बहुत ही प्रायोगिक चीज है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभी भी मैं हर बार कह रही हूं, मैं जिस तरह एक्सप्लेन कर रही हूं, कोई भी दिक्कत हो फील फ्री टू आस्क मी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखिए क्षय वृद्धि, अब आता है क्षय वृद्धि। ये जो पॉइंट है ये पेंटिंग में बहुत अहम होता है, क्योंकि कल मैं थोड़ा सा बता पाई थी कि जैसे आप बैठे हुए हो मेरे सामने, आपका हाथ मानिए कि आप सीधा मेरे तरफ ऐसे पॉइंट कर रहे हो मुझे, ठीक है, तो जब आप पॉइंट कर रहे हो आपका हाथ तो उसी साइज का है, मानो आपका हाथ अगर कुल मिला के 24 इंच का है तो 24 इंच का हाथ तो 24 इंच का ही है, वो तो छोटा नहीं हो जाता है, मगर हम सामने से जब देखते हैं वो 24 इंच का हाथ जो है 12 इंच दिखता है, ठीक है, तो वो चीज है क्षय वृद्धि, फोर शॉर्टनिंग इसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। आप लोग इसको जो भी है उसको आप कंसल्ट भी कर सकते हो इंटरनेट से, अब तो डिक्शनरी भी इतना इजी अवेलेबल है, तो इसको फोर शॉर्टनिंग कहते हैं। तो पेंटिंग में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि आप मानो साइड से कोई फेरी वाला बना रहे हो, मानो कि ठेला वाला बना है, तो उसको साइड से बनाना आसान है, फ्रंट से बना के देखो तो कितना दिक्कत होगा, कैसे उसका हाथ आपको खाली लगेगा, हाथ लंबा हो जा रहा है, क्योंकि हाथ को आपको फोर शॉर्टनिंग करना है, शॉर्टनिंग करना है, वो चीज नहीं होता है, तो ये चीज को बहुत देखना पड़ता है। अब आप इसको क्लास में अप्लाई जब कीजिएगा उस समय हम फिर से बोलेंगे, ये जो विभक्तता के समय जो बोर्ड वर्क के बारे में बात हो रहा था, फोर शॉर्टनिंग उस समय आपको यूज करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं ये जो बोर्ड के सामने एनक्रोच करके खड़े होकर के मैं जो बना रही हूं या बना रहा हूं उस समय मैं कितना दूरी पर खड़ा होकर इसको मैं लिख सकता हूं, ताकि ये बोर्ड से मैं थोड़ा सा डिस्टेंस अपना क्रिएट कर सकूं। इस समय आपको वो फोर शॉर्टनिंग का हिसाब ध्यान में रखना होगा कि मेरा अगर 24 इंच का हाथ है तो 24 इंच का 24 इंच मैं वहां अप्लाई करूं, मैं एक जगह खड़ा होकर लिखते चलूं, ताकि मेरा लिखा हुआ चीज ये पढ़ते पढ़ते वो लोग उतार सके, ठीक है, उसके बाद मैं घूम जाऊं बच्चों के तरफ, और ये बीच में ये जो विभक्तता में जो एक्सप्लेन की वो बच्चे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है जो भी है, तो वो जब बोल रही थी कि मैं बीच बीच में पीछे मोड़ करके बच्चों को देखती भी रहूं और बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं इसके बारे में अपडेटेड भी रहूं, ठीक है। इस समय ये जो क्षय वृद्धि है ये आप बहुत अच्छा से यूज कर सकिएगा जब आप बोर्ड में काम कर रहे हैं, तो इसमें आप खुद क्षय वृद्धि का इस तरह यूज कीजिए। और दूसरा चीज जो है, बार बार मैं जो देखती रहूंगी बोर्ड से घूम करके, तो जाहिर सी बात है बोर्ड में आप जब लिख रहे हो आप तो बैठे हुए नहीं हो, तो आप पीछे जब मुड़े तो पीछे का बेंच का बच्चा वो कितना दूर से आपका लिखावट किस तरह देख रहा है, वहां पर ये आपका क्या बोले फोर शॉर्टनिंग जो है वो बहुत काम आता है, क्योंकि वो उतना दूर से वो एक कॉनिकल मतलब क्या बोले मैं माने कॉर्नर वाइज मानी कोई एक बच्चा देख रहा है, डायगोनली उस चीज को वो देख रहा है, तो आपका लिखावट उस हिसाब से होना चाहिए ताकि वो डायगोनली भी देखे तो आपका लिखावट उसको सही ढंग से दिखाई दे, ये एक बहुत बड़ा चीज है। दूसरा चीज, लिखते 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 आपका मानिए बोर्ड वर्क, जैसे आप बोले अच्छा ऊपर वाला हम क्या इरेज कर सकते, बच्चे बोले नहीं मैम हुआ नहीं अभी तक, हम लोग लिख रहे हैं, तो ऐसा होता है कि आप लिखते लिखते बोर्ड के नीचे तरफ आपको जाना पड़े, तो देन ऑल्सो यू हैव टू यूज योर फोर शॉर्टनिंग वाला दिमाग कि हम कितना दूर तक लिखेंगे, एकदम नीचे तक हम लिख दिए बोर्ड में
तो बच्चों को दिखेगा नहीं, सामने वाला बच्चा को दिखेगा, पीछे वाला बच्चा को कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो उस समय यू हैव टू वेट के बच्चों का हो जाए, और थोड़ा सा बोल सकते हैं भाई थोड़ा फास्ट लिखो, मुझे आज ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। तो अच्छा कहां तक हुआ, तो कुछ बच्चे बोल देंगे कि हम मैम दो लाइन ऊपर का हो गया। अब वो दो लाइन ऊपर का जो आप इरेज कर दिए, अब मजेदार चीज आपको बहुत प्रैक्टिकल चीज बताती हूं। अब आप सेम स्क्रिप्ट में ऊपर में सेम साइज में लिखने लगे, जो बच्चा ठीक से फॉलो, जैसे कि मेरा लेक्चर भी कोई कोई फॉलो कर रहा है, कोई कोई अच्छा से नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो उसी तरह कुछ बच्चे फॉलो भी नहीं करेंगे, वो लोग आप लिखेंगे ऊपर वाला दो लाइन के बाद तीसरा लाइन, उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये लाइन एकदम आखिरी लाइन के बाद ये ऊपर लिखा गया, उनको ध्यान ही नहीं था, बगल वाले बच्चे के साथ खेल रहे थे। तो आपको थोड़ा सा स्क्रिप्ट में अंतर करना है, या तो एक डिविजन बना देना है लाइन से, जो कि वो विभक्तता उसमें काम आएगा। देखिए एक डिविजन लाइन आप बीच में खींचिए और इसको ऐसे अलग कर दीजिए, ताकि जो बच्चा अटेंटिव नहीं था, होता है फ्लक्चुएट करता है, अटेंशन फ्लक्चुएट करता है, मैं इसको दोष नहीं देती हूँ, ये साइकोलॉजिकल चीज है, तो वो भी देखा अरे इसमें खींचा हुआ क्यों है, तब वो बगल में पूछेगा अरे ये खींचा हुआ क्यों है, तब वो बोलेगा अरे ऊपर वाला दो लाइन इसमें नहीं है, तो ठीक है वो तब उसको जाकर के एंड में लिखेगा। तो ये सब बहुत माइन्यूट चीजें हैं जो क्लास में आपको ध्यान देना जरूरी है। और अभी जो चीज हम लोग देखिए हम समय को पार कर चुके, हमको ध्यान नहीं था, एक मिनट मैं इसको बंद कर दूं। कोई बात नहीं है, आप 5-10 मिनट ले लीजिए। जी सर थोड़ा सा मेरा बोलते बोलते जो है ना मजा आ रहा था बोलने में, पता नहीं बच्चों को। अच्छा मैं, अच्छा स्क्रीन में मैं दिख रही हूँ नहीं ना? नहीं अभी तो नहीं आ रही है, ये तो ऑफ कर वो की पूरे। जी हाँ, आ नहीं रहा है मेरा ऑप्शन नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो जो भी है बात ये है कि इतना तो हम लोग जैसे इसको इस श्लोक को समझने में थोड़ा सा हम लगा दिए समय, लेकिन सोचिएगा कि पेंटिंग का क्लास था और मैम हम लोगों को कितना कुछ बता दी और थियोरिटिकल बता रही थी। बात यह है कि ये एक आंसर है उसी चीज का, जो चीज हमको ना बहुत ज्यादा ही जो प्रश्न शायद फेस करना पड़ा कि ये सब्जेक्ट बीएड में क्यों है। तो मेरा शायद ये लेक्चर उसी पर डिपेंडेंट है कि पेंटिंग का जो कॉम्पोजिशनल सेंस है ना, वो आपको प्रैक्टिकल फील्ड में क्लास करते समय बहुत हेल्प करता है। और इसके लिए जरूरी है कि ये दोनों जो श्लोक मैंने आपको बताया हुआ है वो दोनों को फॉलो करके और उसको एकदम मंत्र की तरह याद करके अगर आप एक चित्र बना लेते हैं तो आपका सेंस जो है प्ले करने लगेगा। और उसको आप जो प्रैक्टिकल फील्ड का पेंटिंग है, दैट मीन्स के एक क्लास रूम आपके सामने, वो देखिएगा बहुत टैकल करने का एक बहुत सुंदर तरीका अपने आप से निकलेगा। ये नहीं कि आपको जो मेथोडिकली एग्जैक्ट सिखाया जा रहा है वही चीज हर समय आपको काम आएगा। कोई कोई चीजें ऐसा देखिएगा, ऐसा ऐसा सिचुएशन में पड़ जाइएगा क्लास में कि कभी आप सोचे ही नहीं थे। आप तब क्या सोचिएगा, कोर्स में तो ऐसा वाला नहीं था, ऐसा तो नहीं ना सोचिएगा। उस समय उस सिचुएशन को आपको टैकल करना होगा, उस समय देखिएगा ये सब चीजें जो आज मैंने बताया उसको वो काम आएगा उस समय, ठीक है। तो पेंटिंग को अलग पेंटिंग मत सोचिए, जो कल मैंने लेक्चर में कहा था शुरुआती दौर में कि हम लोग उस जंगल का लाइफ से निकल के आज वर्चुअल क्लास तक पहुंचे हैं सिर्फ पेंटिंग के जरिए, क्योंकि अगर हम लोगों को पेंटिंग करना नहीं आता था तो हम लोग वहां से सभ्य ही नहीं हो पाते, आविष्कार तो दूर की बात। तो इसीलिए ये सम्मान पेंटिंग को मिलना चाहिए। और क्लास में ये चीज क्यों है, कोर्स में ये चीज क्यों है, आशा है कि मेरा ये जो 5-6 दिन का जो सेशन है करने के बाद ये क्वेश्चन तो अराइज नहीं करना चाहिए। और आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो जरूर जो है अपने जो साथी हैं जो लोग अभी क्लास बंक कर रहे हैं उन लोगों को जरूर बोलिएगा कि गलती से ही सही एक दो क्लासेस सुन ले, तो उन्हीं लोगों को काम आएगा। बार बार मैं कह रही हूं ना,
कि इसको ना प्रोफेशन नहीं पैशन समझना बहुत जरूरी है टीचिंग लाइन को. थैंक यू. और जो भी है अगर कोई क्वेश्चन है तो 5 मिनट में देखिए अगर हो सके तो, और नहीं तो फिर जैसा बोलिएगा. सर ओके ओके हेलो जी सर. पार्टिसिपेंट्स यदि किसी का किसी भी प्रकार का आज के विषय से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं. हाथ रेज कर लीजिए हम उनको अनम्यूट कर देंगे. आप पूछ सकते हैं. आज केवल श्लोक समझ सकते हैं कि आप एक श्लोक को डिफाइन करने में उसको एक्सप्लेन करने में कितना टाइम लग गया. श्वेता मधुकर आपने हाथ रेज किया है हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं. हो चुके हैं. चलिए आप अपना क्वेश्चन पूछिए. हेलो गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून बोलिए मैम. आपने अभी आवाज नहीं आ रही आपका. हेलो श्वेता फिर से म्यूट हो गई है. ओहो आप अपना माइक फिर से एक बार अनम्यूट कर लीजिए श्वेता. हेलो जी बोलिए. मैम मेरा क्वेश्चन ही है एक्चुअली. मुझे उस टाइम कुछ कहना था तो मैंने सोचा वो क्लास ओवर होगा तो मैं कहूंगी. जी बोलिए. आपने एक सादृश्यता के बारे में बताया था कि उसमें सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं. अभी जैसे हम लोग वर्चुअली व्हाट्सएप में एक गाने का आपने नाम लिया था हिरनी जैसी आके, तो हम लोग ऐसे भी व्हाट्सएप में यूज करते हैं हिरनी आंखें सॉन्ग. तो दैट ये सादृश्यता जो अब हम लोग क्लास में रहेंगे किसी बच्चे को समझाना हो तो वैसे भी तो समझाया जा सकता है ना. जी बिल्कुल मैम. तो देखिए हम जैसे हिस्ट्री का कुछ उदाहरण देके मैं इसको समझा रही थी. मैं अपना अपना सब्जेक्ट को किस तरह आप लोग उस तरह ले जाइएगा. देखिए मेरा दृष्टिकोण ये था जो आप ऑलरेडी समझ चुकी हैं क्योंकि ये जो चीजें हैं जैसे कुछ कल मैं बोल रही थी कि कुछ ड्रॉन साइन धीरे धीरे अक्षर में तब्दील हुआ. बिल्कुल उसी तरह कुछ कुछ जेस्चर्स बोलिए या तो कुछ कुछ उस तरह का ऑब्जेक्ट जो है जी वो धीरे धीरे हम लोग का अभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं इमोजी वगैरह में आ गया है. ठीक है वो वही है जो हम लोग गुफा के दीवार पर बनाते थे. आज यहाँ वर्चुअली हम लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वही तो हम लोग कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं वही कर रहे हैं कि वो जो ड्रॉन चीजें था हाथ से हम लोग ड्रॉ करते थे उसी इमोजी को हम लोग क्लिक कर देते हैं. ठीक है तो बच्चों से ये जो बात आप बहुत अच्छा बोली है कि आज के डेट में हम जो चीज बोल रहे हैं कि एक इरा हम लोग एक जमाना चल चुके हैं. हम जिस जमाने में खड़े होकर के आपको समझा रहे हैं आप टेक्नोलॉजी को जिस तरह एब्जॉर्व की है आप सोचिए आप जब एक बच्चे के सामने खड़े हैं वो बच्चा आपसे ज्यादा एब्जॉर्व कर चुका है उस टेक्निक को. ठीक है तो आपको उसके साथ कम्युनिकेट करना है. आज हम लोग जी 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 एकदम एग्जैक्ट आप सही एकदम अप्रोच दी है इसमें. और इसको हम ये चाहेंगे कि जो चीजें जो व्याख्याएं हमने किया है उसको आप लोग ना फिर से थिंक कीजिए इसके ऊपर इसके ऊपर मनन चिंतन कीजिए. और कोई भी व्याख्या आपको लगे कि इस तरह हो भी सकता है जरूर मेरे साथ कम्युनिकेट कीजिए. क्योंकि एक चीज पिछले दिन मैं कह चुकी हूँ कि ये एक लर्निंग प्रोसेस है टीचिंग नहीं है. मैं टीच नहीं कर रही हूँ आप लोगों को. लर्निंग प्रोसेस है ये. आप इसको सोचिए और सोच के अगर हो सकता है कि इसमें से कुछ ऐसा निष्कर्ष निकले जो कि मुझे भी एनरिच करे. समझ गई ना. ये बहुत अच्छा रहेगा. और आप जो पॉइंट निकाली है बहुत सुंदर है. इस पर अमल करें और सोचें इसके ऊपर. वेरी गुड. चलिए थैंक यू मैम. एक और बात है. जी जी बोलिए. आज तक कभी भी क्राफ्टिंग नहीं की है बट आज मैंने आज तक कभी कोई क्राफ्टिंग नहीं की है बट आज मैं ट्राई की थी सुबह में और आपको भेजा भी है मैंने. आई थिंक आपने अभी तक नहीं देखा है. आप प्लीज देख कर दीजिएगा. सुनिए ना ये टॉपिक क्या था आपका क्या बनाई थी. मैम टॉपिक कुछ नहीं था. मैंने आपको भेजा है मैच स्टिक से एक गणपति की प्रतिमा बनाने की कोशिश की थी मैं पेपर पे. जी तब मैं मिस कर गई जरूर क्योंकि हम बहुत सारा मैसेज मेरा आ चुका था. जी जी जी. अच्छा सुनिए एक चीज है मैं आप लोगों को पर्सनली शायद नहीं करूं. कल एक आइडिया बना के मैंने रखा हुआ है कि जो जो काम आप लोग भेजिएगा ना मुझे मतलब वो स्केच हो कुछ हो
एक इंटरेक्शन मेरे क्लास के साथ एक इंटरेक्शन का जो भी आप लोग हो सके भेजिए और उसका मैं एक स्लाइड शो बना के डिस्कस करूंगी. दैट विल बी अ वेरी फ्रूटफुल थिंग. ठीक है ना जी. तो उसमें क्या होगा डायरेक्टली मैं दिखा के जिनका है वो हैंड रेज कीजिएगा उसको मैं बोलूंगी तो वो बेटर रहेगा. वर्चुअल क्लास को भी प्लान करना पड़ रहा है ये तो है क्योंकि ये चीज हमारे लिए आपके लिए दोनों के लिए नया है. ये वर्चुअली जो हम लोग आज मिल करके क्लास कर रहे हैं लेकिन इसको ना मैक्सिमम फ्रूटफुल बनाने का कोशिश हम लोग करेंगे. मुझे लगता है कि बेहतर होगा क्योंकि इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है इससे हम लोग को लग रहा है. थोड़ा सा जो है हम हाथ से नहीं दिखा पा रहे हैं लेकिन कोशिश तो रहेगा. ठीक है आप आइए और कल हम देखते हैं. जी जी सर बोलिए सर. एक चीज हो सकता है कि पार्टिसिपेंट जो भेज रहे हैं उसको आप स्क्रीन पे ले आए और उससे रिलेटेड जो भी मेरी डिमेरिट है उसके बारे में वही डिस्कस कर ले ताकि पार्टिसिपेंट्स को समझ में आ जाए कि हमारे इस पेंटिंग में या हमारे इस वर्क में कहां क्या कमी है. वो एग्जैक्टली ज्यादा क्लियर हो जाएगा. जी सर वही मैं कह रही हूँ कि मैक्सिमम आप लोग भेजे ताकि कल तक मैं उसका स्लाइड बना लूं. रात तक मैं स्लाइड बना लूं. आज आज आप लोग 8 बजे तक मुझे भेज दीजिए ताकि मैं रात को बैठ के उसका स्लाइड बनाऊं. कल मैं जब इंटरेक्ट करूं उसको दिखा दिखा के मैं इंटरेक्ट करूं और अगर मैं पूछूं कि भाई ये किसका काम है आप लोग हाथ रेज कीजिए मैं डायरेक्ट बोलूं सबको सुनाई दे सबको दिखाई दे वो बहुत अच्छा रहेगा. मतलब वो क्लास में जैसे हम लोग करते हैं ना उसी तरह चीज होगा. क्योंकि देखिए एक माने 1:1 का जो इफेक्ट होता है उससे ज्यादा इफेक्ट होता है. आप ग्रुप में उसका डिस्कशन करें तो सबको सब प्रॉब्लम समझ में आ जाए तो बेहतर होगा. ये आप लोग आज 8 बजे तक कृपया कुछ भी आप लोग जो बना रहे हैं उसको हमको भेजिए. जी आगे ये मैम भूलम जो बता रहे थे उसको एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए मैम. अच्छा भूलम्बो को आप लोग हमको लग रहा है भूलम्बो में बहुत प्रॉब्लम हो भी रहा है क्योंकि भूलम्बो ऐसा चीज है. बार बार मैं कह रही हूँ एक 2-डाइमेंशनल चीज. आप लोग जो पेपर पर अक्षर लिखते हैं लिखने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता. अक्षर लिख दिया ऐसे हम लोग पढ़ते हैं मतलब ऐसे लिखे ऐसे पढ़ते हैं ठीक है. लेकिन जब ड्रॉइंग बनता है उसको हम लोग ऐसे जरूर देखते हैं मगर अब आप सोचिए जब हम बना रहे थे तो ऐसे बना रहे थे या ऐसे भी बना रहे थे. लेकिन हम मानिए एक ऐसा लाइन खींचे एक रोड के लिए ठीक है. रोड के लिए देखिए पेपर में मैं दिखाती हूँ जैसे एक रोड के लिए ऐसा एक तिरछा लाइन हम खींचे. इस रास्ते पर एक आदमी जा रहा है मुझे ऐसे उस आदमी को बनाना है. ये आदमी ये मानिए एक आदमी है ये जा रहा है. आज ये टास्क मैं देती हूँ आप लोग सबको सिर्फ इतना एक तिरछा लाइन और उसमें एक फिगर आदमी का इसको बनाइएगा तो जरूर प्रॉब्लम फेस कीजिएगा तब भूलम्ब हमको लग रहा है भूलम्ब थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट हो रहा है. इसको बनाइएगा तो आप लोग खुद बना के देखिए क्या प्रॉब्लम होता है. अब जैसा भी बने खुद का ड्राइंग देखकर अगर हंसी भी आ जाए ना उसको जरूर पुट कीजिएगा तभी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा. ऐसा नहीं कीजिएगा कि नहीं बना तो नहीं बनाए. जैसा बने वैसा मैं देखना चाहती हूँ और उसको मैं प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके दूंगी ठीक है. तो भूलम्ब कल हम लोग अच्छा से डिस्कस कर रहे हैं. हम अभी जितने बार बोलेंगे आपको दिक्कत होगा आप उसको बनाइए और सबको ही बनाइए जो भी आज क्लास में है और जरूर भेजिए ठीक है. चलिए थैंक यू मैम. और कोई है जी. थैंक यू आकांक्षा कुमारी आपने हाथ रेज किया. आकांक्षा आपका क्वेश्चन पूछिए. आकांक्षा आपका क्वेश्चन पूछिए. आकांक्षा कुमारी आप अपना क्वेश्चन पूछिए. आकांक्षा आपने हाथ रेज किया था. हेलो हाँ हाँ जी बोलिए. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग सर. गुड आफ्टरनून. हाँ बोलिए सर. ये अटेंडेंस कहाँ से बन रहा है सर हमको ही नहीं समझ में आ रहा सर. अटेंडेंस जो है आपके चैट बॉक्स में देखिए अटेंडेंस लिंक वहां शो कर रहा है मैंने दे दिया है उसको क्लिक करिए और सारे डाटा को फिल करके फिर सबमिट कर दीजिए. जूम के चैट बॉक्स में आप एक बार देख लीजिए उसमें अटेंडेंस शो कर रहा है. जूम के चैट बॉक्स में आप जाइए देखिए अटेंडेंस इसमें शो कर रहा है. शिवमणि कुमारी आपने हाथ रेज किया है. शिवमणि आप क्वेश्चन पूछिए. शिवमणि उस समय आपका नेटवर्क चला गया था थोड़ा सा. शिवमणि आप अपना क्वेश्चन पूछिए. हेलो हाँ बोलिए. शिवमणि बोलिए आप क्वेश्चन बोलिए. सर
सर अनम्यूट कर देते हैं आप, आपसे ही अनम्यूट हो रहा है। नहीं नहीं आपका नेटवर्क नेटवर्क कनेक्टिविटी बीच में ऑफ हो गया, जिसके कारण यहाँ ऑलरेडी जो है जूम ऐप आपको अनम्यूट कर देता है, वो इधर से नहीं होता किसी के द्वारा। जूम ऐप में इस तरह का सिस्टम है, जैसे ही आप नेटवर्क से कटेंगे आप अनम्यूट होकर के ही फिर जुड़ेंगे, फिर हमको म्यूट करना है, अनम्यूट करना पड़ता है, इस तरह से होता है। कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए सर। जैसे चैट बॉक्स में मेरा लिंक नहीं आ रहा अटेंडेंस का। आपके चैट बॉक्स में लिंक नहीं आ रहा, फिर से मैं एक बार दोबारा सेंड कर देता हूँ, आप जूम ऐप में बने रहिए, हटिएगा नहीं। चुन्नू आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ बोलिए बोलिए क्या बोलेंगे। चैट बॉक्स हमेशा ओपन ही नहीं रह सकता है। ओपन ओपन मतलब करेंगे तो उसमें बहुत अननेसेसरी जो है बहुत ज्यादा लोग मैसेज करने लगते हैं, इसीलिए उसको ऑफ रखा गया। चुन्नू आप अपना क्वेश्चन पूछिए। चुन्नू आप अपना क्वेश्चन पूछिए, आप अनम्यूट हो गए। गुड मॉर्निंग सर, चैट डिसेबल है सर, इस वजह से नहीं आ रहा है लिंक। नहीं मैंने जो दिया है आप एक बार देख लीजिए, आपको चैट करना नहीं है, मैंने जो लिंक दिया है उसको आप एक बार देख लीजिए। सर चैट डिसेबल में वो दिखेगा नहीं। अच्छा मैं एक बार देख ले रहा हूँ, मैं फिर से देखता हूँ। यस सर देखता हूँ देखता हूँ। नहीं बनाया है। अब देखिए तो शो कर रहा है। नहीं सर नहीं नहीं अभी नहीं, इसको नहीं हो रहा है। आ गया है सर, आ गया है, आ गया है। यस सर सभी पार्टिसिपेंट्स इसको आप फिल कर लीजिए, कॉपी करके मैसेज कर दें सर ग्रुप में। नहीं नहीं मैसेज आज हम ग्रुप में नहीं करेंगे चुन्नू जी, मैंने देखा है आज, मैंने स्टार्ट में ही इस चीज को क्लियर किया है। यस सर आज हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर नहीं करेंगे। देखिए मैं आपको मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को एक चीज बता देता हूँ और क्लियर करके बता देता हूँ। मैंने दो पेपर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अभी अभी सेंड किए, ये दो पेपर है क्या मैं आपको बता रहा हूँ। एक जो मैंने सबसे पहले सेंड किया है वो जूम ऐप का जो रिकॉर्ड है वो हमें ये बताता है कि कौन से पार्टिसिपेंट्स कितनी बार जुड़े, कितने बार हटे, कितने मिनट के लिए जुड़े। जैसे मैं दो नाम लेना चाहता हूँ यहाँ पर मैं, पंकज कुमार मेहता, ये मात्र 4 मिनट के लिए हमारे कल सेशन में जुड़े, मात्र 4 मिनट ही हमारे सेशन को अटेंड किए। स्वाति कुमारी, ये 1 मिनट एक बार में और 4 मिनट एक बार में अटेंड किया, मतलब 5 मिनट ये अटेंड किए। मतलब ओवरऑल जो कल 1.5 घंटा या 2 घंटे का सेशन चला उसमें इनकी उपस्थिति मात्र 5 मिनट की रही। स्वाति कुमारी की 5 मिनट, पंकज कुमार मेहता की 4 मिनट। लेकिन यदि अटेंडेंस लिंक जो है मैंने जूम चैट बॉक्स में दिया या व्हाट्सएप ग्रुप में दिया तो ऑब्वियसली जो भी उसको फील करेंगे वो हमारे यहाँ ये रिकॉर्ड दिखाएगा कि आपने अटेंडेंस लिंक को फिल कर लिया है, आपकी उपस्थिति दर्ज कर ली गई। लेकिन वो ये नहीं शो करेगा कि आप पूरे सेशन के दौरान उपस्थित रहे कि ना रहे, इस चीज को सब लोग समझिएगा। दो चीज मैंने सेंड किया है, एक तो सर्टिफिकेट ये अटेंडेंस लिंक जो आप लोगों ने कल फिल किया उसके आधार पर मैंने देखा 32 या 33 पार्टिसिपेंट्स जो बीएड 19-21 के थे उन लोगों ने इन्होंने क्या किया है कि अटेंडेंस लिंक को फिल किया है लेकिन कल का ये क्लास ही नहीं अटेंड की, या यदि अटेंड की है तो होता क्या है जब आप जुड़ते हैं जूम ऐप के माध्यम से तो कुछ लोग मैं देख रहा हूं कि वो मोबाइल के नाम से ही जुड़ जाते हैं, रेडमी तो गैलेक्सी तो फलना। तो आप जब जाते हैं जुड़ते हैं, मैं सभी पार्टिसिपेंट से बोल रहा हूँ, तो आप चेक कर लीजिए कि आपका जो अपना नाम है उसी नाम से आप जुड़िए ताकि आपको यहाँ एकदम क्लियर फिगर आएगा कि हाँ शिवमणि कुमारी के नाम से है, नाम से है या फिर आकांक्षा कुमारी के नाम से है, तो वो वही शो करेगा जो आप वहां लिखेंगे। यदि आप अपने नाम से शो नहीं करेंगे तो आपके जो मोबाइल का जो नेम है वही मॉडल शो करने लगता है कि ये गैलेक्सी 7 है या रेडमी है ये फलना है।
तो इस चीज को ध्यान में रखिए। तो ये जूम चैट जूम जो ऐप है इस चीज को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। तो आप जिस नाम से जुड़ेंगे वही नाम यहाँ पर शो करेगा कि आप फलना नाम से जुड़े हुए। तो इसीलिए ये मैंने दो चीजें मैंने आपके बीच में रखी। आपको नहीं लगना चाहिए कि सर जो कल लिंक भेजे हैं, कुछ लोगों ने ऐसा भी किया है कि भाई 6 बजे के बाद, मैंने 6 बजे तक रखा था, अभी भी ये जो लिंक गया वो 6 बजे तक रहेगा, लेकिन 6 बजे के बाद भी 2-3 लोगों का फोन आया कि सर मुझसे, मैंने अटेंडेंस फिल नहीं किया सर, वो जरा लिंक भेज दीजिए। अब बताइए कि हम किस बेस पर में उसको भेजे, या तो उन्होंने क्लास नहीं अटेंड किया, सारी चीजें मैंने स्पष्ट कर क्लियर कर दी, जूम चैट बॉक्स में भी आया, ग्रुप में भी भेजा गया, लेकिन फिर भी वो अवेयर नहीं थे, फिर भी वो सीरियस नहीं थे कि हमें अटेंडेंस भी बनाना है। अब बताइए कि जब 6 बजे के बाद 7 बजे रात में 8 बजे रात में फोन करके पूछा जा रहा है कि सर जरा लिंक भेज दीजिए, ये कितने मतलब शर्म की बात है। बहुत मतलब मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि देखिए कि जो पार्टिसिपेंट्स क्लास भी नहीं अटेंड किया उसे ये भी नहीं पता है कि अटेंडेंस लिंक भी दिया गया था, और दिया गया था तो वो 6 बजे तक था और 6 बजे के बाद नहीं रहेगा। ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ये इसीलिए किया जा रहा है, ये इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि हम और आप एक डिसिप्लिन को कवर करें। हम और आप जब डिसिप्लिन को कवर करेंगे तो कार्यक्रम की गुणवत्ता जो है वो सही तरीके से एक धरातल पर में दिखेगी। यदि हमें ऐसा ही करना होता है कि चलो ठीक है कोई आए चाहे कोई नहीं आए, जो अटेंडेंस फील करेगा हम उसी का अटेंडेंस मान्य करेंगे, ऐसा नहीं है। मैं अभी सभी लोगों को सावधान कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। हम दोनों चीज दोनों एंगल से चेक कर रहे हैं कि अटेंडेंस लिंक कौन फील कर रहा है, और पूरे सेशन के दौरान आप 1 सेकंड के लिए जुड़े, चाहे 1 मिनट के लिए जुड़े, चाहे 2 घंटे के लिए जुड़े, कौन पार्टिसिपेंट कितने देर के लिए भी जुड़ रहा है ये भी हम चेक कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी हैं जो आए थोड़ा देर अटेंड किए और फिर चले गए, फिर क्या हुआ, फिर लास्ट में ये आएंगे अटेंड करेंगे और फिर क्या करेंगे, अटेंडेंस लिंक को फिल कर लिए और अपना अटेंडेंस बना के चले गए। ये जो फाकीबाजी आप लोग दिखाएंगे, ये फाकीबाजी जूम चैट बॉक्स पर नहीं चलेगा, जूम ऐप पे नहीं चलेगा। मैंने क्लियर कर दिया है, तकनीक झूठ नहीं बोलेगा। आप चाहें तो कॉलेज में आकर के भी इस चीज को आप देख सकते हैं। मैं आपको बैठा करके सारे चीजें डिक्लेयर करके आपको बता दूंगा, देखिए आपका अटेंडेंस ये रहा, आपने कितना देर तक क्लास किया है, पूरा रिकॉर्डिंग क्लास का हो रहा है, एक एक सेकंड का रिकॉर्डिंग हो जाएगा। सर एक इंटरप्ट कर रही हूँ थोड़ा सा, सर आप ही का कहा हुआ चीज जैसे आप बार बार उल्लेख कर रहे हैं कि तकनीक कभी झूठ नहीं बोलती, और ये आपका जो बच्चों का जो फाकीबाजी है ना ये भी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये लोग जब कोर्स कंप्लीट करके सर प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे तो तब तो ये फाकीबाजी ही बोलेगा, क्योंकि जब ये लोग फंसेंगे किसी सिचुएशन में तो उस समय तो कोई लेक्चर भी याद नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग इसी तरह जुड़ते हैं। बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूँ, जब आप कहीं इन फ्यूचर कभी कहीं जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आपके कॉलेज में जो फाइन आर्ट्स की टीचर हैं जिनका वर्कशॉप हुआ था उनका क्या नाम है और उन्होंने 6 दिन के वर्कशॉप में क्या क्या बताया, तो फिर आप कुछ नहीं जवाब दे पाएंगे। तो चोरी कहीं ना कहीं आपकी पकड़ी जाएगी, इसीलिए सबको मैं अवेयर कर रहा हूँ। हमारा ये एकदम मकसद नहीं है कि हम आपको थोड़ा इग्नोर करें, मैं ये कभी शुरू से लास्ट मतलब स्टार्ट डे से ही मैं इस चीज को क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग जुड़े हैं आज सामने सामने रहते तो मैं ये कहने के लिए भी नहीं जाता कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी एक एक मर्यादा है, हमारी एक गरिमा है, जिस माध्यम से हम लोग जुड़े हैं उस गरिमा को समझें और उसका पूरा पूरा जो एक पैरामीटर है उसको ध्यान में रखते हुए हम सारे चीज को अटेंड करें, ये हमारी बाध्यता भी है और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं। तो इसीलिए चुन्नू जी मैंने आज ये निर्णय लिया है कि मैं अटेंडेंस को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई अटेंड क्लास को नहीं किए, लेकिन जैसे ही वो व्हाट्सएप में जाएगा वो तो सबको शो करेगा, जो अटेंड नहीं किए होंगे वो भी बीप कर लेंगे, तो वो अटेंडेंस उनका जो है यहाँ दिखने लगेगा, इसीलिए मैं आज ग्रुप में नहीं भेज रहा हूँ चुन्नू जी। तो एक दो और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। ज्योति सिंह आपने हाथ रेज किया है, ज्योति आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकती हैं, मैम से पूछ सकती हैं। ज्योति
गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून बोलिए मैम. एक बना के आपको सेंड कर रहे थे कोलाज, वो एक गर्ल थी लहंगा पहनी हुई, तो जी 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 वो लास्ट पे मुझे मिला. जी जी मैम वो मेरा फर्स्ट कोलाज था. तो मतलब आप मेरे को बहुत ही सुंदर और जरूर जरूर सुनिए. आज जो प्लान हमने किया है, आज ही आप लोग का चार पांच काम खाली मेरे पास आया है और आपका काम लास्ट में मैं देख के क्लास शुरू की थी, लेकिन आज तो कुछ अलग जैसे श्लोक को मैं डिफाइन कर रही थी वगैरह वगैरह, वो तो ठीक है, मगर मुझे उम्मीद है कि कल तक मुझे एटलीस्ट 10-12 काम तो मैंने उम्मीद तो होना चाहिए कि जितने के जितने क्लास में थे सबको ही भेजे, लेकिन सिंसियर स्टूडेंट जो लोग हैं वो लोग तो भेज ही रहे हैं, उम्मीद है सबको ही कर रहे हैं. तो आप लोग सबका काम जब आ जाएगा तो कल माने आज रात 8 बजे तक मैं चाह रही हूँ कि सबको एक एक काम भेजे. जैसे आपने भेज चुका तो आपका मुझे मिल गया एक, जो जो नहीं भेजे हुए हैं वो 8 बजे तक भेज दें ताकि जी मैम चाहते हैं कि आज तो अगर आप बता दे. हाँ हेलो मैम, जैसे आप थोड़ा सा बता आपको मैं व्हाट्सएप कर रही हूँ. सुनिए सुनिए आपको मैं व्हाट्सएप कर रही हूँ क्लास के बाद आपका तो पास. यस मैम. ठीक है तो वो मैं कह के आपको भेज देती हूँ. और मुझे ये दिली इच्छा है मेरा कि मैं कल एक स्लाइड शो करूं आप लोग का, ठीक है, तो उसको करके मैं डिफाइन कर दूं और आपको मैं पर्सनली कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देती हूं. हालांकि मैं एक जनरलाइज्ड फॉर्म में इंस्ट्रक्शन दे चुकी हूं कि वो आपका जो ब्लैंक स्पेस है उसको कैसे करना था, ठीक है ना, तो उसको मैं फिर से आपको मैं व्हाट्सएप कर दे रही हूं. ठीक है हाँ, क्लास के बाद मैं कर रही हूं. ओके हेलो. जी 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 हाँ. एक है कुमारी नीतू. कुमारी नीतू को जरा अनम्यूट करें. कुमारी नीतू आप अपना क्वेश्चन पूछिए. कुमारी नीतू, कुमारी नीतू आवाज आ रही है हमारी? हेलो कुमारी नीतू नहीं है. अर्चना कुमारी है. अर्चना कुमारी आप अपना क्वेश्चन पूछिए. अर्चना कुमारी आप अपना क्वेश्चन पूछें. अर्चना कुमारी नहीं है. कुमारी नीतू आप अपना क्वेश्चन पूछिए. कुमारी नीतू सर गुड आफ्टरनून सर एंड गुड आफ्टरनून मैम. हेलो गुड आफ्टरनून बोलिए. जी जी बोलिए. हेलो ओ एक्चुअली मुझे वो अटेंडेंस की इन द प्रीवियस क्लास. सॉरी मैम. जी जी ठीक है बात कर लीजिए आप. हाँ सर वो एक्चुअली वही अटेंडेंस का कैसे उसको फिट करना है अटेंडेंस वाला. एक बार फिर से बोलिए क्या बोल रही है. क्या बोल रही है फिर से बोलिए. सर अटेंडेंस का कैसे करना है सर. ये अभी जो क्लासेस मैम जो ले रही हैं तो इसका अटेंडेंस का क्या करना है कैसे करना है. पहले तो क्लासेस वगैरह करते थे तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेते थे और व्हाट्सएप पे शेयर कर देते थे, बट शायद आई थिंक इसमें कुछ फिल अप वगैरह करना पड़ेगा. आप देखिए चैट बॉक्स में आप देखिए अटेंडेंस तो उसी पर चर्चा हो रही थी ना. चैट बॉक्स में आप देखिए अटेंडेंस लिंक मैंने भी दिया है उसको फिल कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए. अच्छा देन ऑटोमेटिक हो जाएगा. ऑटोमेटिक हो जाएगा. Hello? आपका यहाँ शो करेगा कि आपने अटेंडेंस बनाया है. ओके ओके सर थैंक यू सर. और कोई है? अर्चना कुमारी है. अर्चना कुमारी अर्चना कुमारी अर्चना आप अपना क्वेश्चन पूछिए. अर्चना नहीं है लाइन पे नहीं है. अपूर्वा सरकार आप अपना क्वेश्चन पूछिए. अपूर्वा गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून मैम. बताइए. गुड आफ्टरनून बोलिए.
मैम मेरा जो क्वेश्चन है वो आज के टॉपिक से थोड़ा सा अलग है. जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे लोकल आर्ट फॉर्म्स है, बहुत सारे लोकल आर्ट फॉर्म्स है, जैसे वर्ली है, मधुबनी है, तो मैम ये सब का क्या यूटिलिटी है या फिर इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि नहीं, या फिर इसका कोई बी एड में यूटिलिटी है कि नहीं, आप प्लीज एक्सप्लेन करिए. ये टॉपिक मैंने ले लिया आपका, बहुत अहम और बहुत ही दिलचस्प एक टॉपिक है ये. तो ये मैंने इसको थोड़ा मैं इलाबोरेटली आपको बताऊंगी, ठीक है. इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है. मैं थोड़ा सा आज बता देती हूँ कि जैसे मैं एक छोटा सा बात उसका जिक्र मैं की थी कि कौन किस जगह से, किस बैकग्राउंड से आपके क्लास में आया हुआ है बच्चा, बहुत मायने रखता है. क्योंकि आप मानिए, कभी ऐसे टीचर भी होते हैं जो कभी खेत खलिहान देखा ही नहीं. Yes, ma'am. वो वंदे मातरम का एक्सप्लेनेशन दे रहा है, बताइए, ठीक है. वंदे मातरम का टोटल संस्कृत जो ये है उसका एक्सप्लेनेशन वो बच्चों को दे रहा है, खुद कभी हरा घास पर पैदल चला ही नहीं. Yes, ma'am. ये बैकग्राउंड से जैसे टीचर हो सकते हैं, वैसे ही वैसे बैकग्राउंड से बच्चे हो सकते हैं जो कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं देखा. Yes, ma'am. ठीक है, तो आपको तो एक एक जगह पर सबको लाना है ताकि आप जिस लेवल से भी हो, आप सब लेवल पे जाके अपना कम्युनिकेशन बना सके बच्चों के साथ, बहुत जरूरी है. और ये जो आपने लोकल आर्ट फॉर्म का बात कही है ना, तो ये बहुत आपको हेल्प करता है उन तमाम बच्चों के पास पहुंचने के लिए. क्योंकि आर्ट फॉर्म ऐसा चीज है कि जो इंटरनल लैंग्वेज है उससे बच्चे कम्युनिकेटेड हो जाते हैं. आप एक बहुत सुंदर सा तस्वीर बना के एक मधुबनी का ग्राउंड लेवल वाला जो बच्चा है उसको समझा नहीं पाइएगा, लेकिन एक मधुबनी आर्ट फॉर्म से उसको झट से आप कम्युनिकेट कर पाइएगा. वो फैमिलियर है उस फॉर्म से और उसी से खींच करके धीरे 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 इस फॉर्म तक आप ला सकते हैं. फोक आर्ट कैसे शुरू हो करके धीरे 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 आज मॉडर्न आर्ट. कल इसको एक्सप्लेन करूंगी. आप थैंक यू आपको कि कल के लिए आप बहुत अच्छा एक टॉपिक हमको दिए. ठीक है, देखिए प्रैक्टिकल काम आप लोग भेजिएगा, उस पर एक्सप्लेनेशन वो तो एक समय, जो समय हमको जितना मिला हुआ है मैं चाहूंगी वो फ्रूटफुल बने आप लोगों के लिए. ठीक है, तो ये बहुत अच्छा चीज आपने बताया कि क्लास में कम्युनिकेशन के लिए इसका कितना ये जरूरत है, वो जरूर मैं कल एक्सप्लेन करूंगी. थैंक यू मैम. मेरे टॉपिक देने के लिए थैंक यू मैम. मेरे एक और क्वेश्चन था कि आपने आर्ट फॉर्म भेजने के लिए बोला है तो उससे एसेंशियली ये कोलाज ही होना जरूरी है कि बाकी और भी हम कुछ भेज सकते हैं? आप हमको दूसरा कुछ जरूर भेज सकती हैं, लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप कोलाज भेजिएगा तो मुझे ना, जैसे कोलाज के ऊपर ही ये सेशन था मेरा, मानिए कल अगर मैं आपका जो दिया हुआ टॉपिक है उस पर अगर मैं अमल करती हूँ तो हो सके कल फोक फॉर्म में एक दो आप लोगों को दूं, तो उसके बाद फोक फॉर्म के ऊपर या तो कुछ दूसरा चीज पर आप भेजिए. अभी फिलहाल कोशिश कीजिए छोटा से छोटा फॉर्म कोलाज का भेजने के लिए, मैंने हमको सुविधा होगा कम्युनिकेट करने के लिए. ठीक है ना? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके जी, ये रेडमी के नाम से जुड़ी हुई है, पता नहीं चल पा रहा इनका नाम क्या है. ये मोबाइल का जो ब्रांड है वो शो कर रहा है, पता नहीं कौन है. रेडमी आपने हाथ रेज किया हुआ था. एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भी जुड़ते हैं काइंडली अपना नाम जरूर सेट कर दीजिएगा, तभी कुछ थोड़ा सा पता चलेगा कि किस नाम से जुड़े हुए हैं. अच्छा, अदरवाइज अर्चना कुमारी आपने फिर से हाथ रेज किया है. अर्चना आप अपना क्वेश्चन पूछिए. अर्चना हेलो हेलो, पूछिए क्वेश्चन. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून, बोलिए मैम. जो आप मधुर का बताए थे कि क्लासरूम में तो समझ में आया, लेकिन एज अ पिक्चर जैसे बनाएंगे तो उसमें कैसे डालेंगे उसको? मधुरत्व आपको हम जो पेंटिंग में हम बता रहे थे कि वर्स्ट जो हो सकता है, जैसे गिद्ध का फोटो आप बना रही हैं उसका उदाहरण हमने दिया था लेक्चर देते समय, तो उस समय देखिए जो चीज है कि आपको एक बहुत ऐसे सोचिए कि एट ए ग्लांस
कोई एक शख्स आपके सामने खड़ा है, एट ए ग्लैंस आपको देख के ही उस आदमी को जैसे नहीं लगता है, मतलब कुरूप जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, आपको लगा कि सुंदर नहीं है, ऐसा होता है। जैसे सुंदरता का कोई डेफिनेशन मैं नहीं मानती, लेकिन फिर भी एक अचानक से देखे कैसा दिखता है, ऐसा नहीं एक तो एक्सप्रेस, मतलब आप मैच्योर हो गई, आप नहीं बोलेंगे उसके सामने, बच्चा होगा तो बोल ही देगा। मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं अपनी ननंद की बेटी का हाथ पकड़ के, वो एकदम छोटी सी थी बेचारी, उसको लेकर के मैं चॉकलेट खरीदने जा रही थी, तो इतने में क्या हुआ, जो थोड़ा सा ड्वार्फ नहीं होते हैं, मतलब बावना जिसको हम लोग बोलते हैं, उस तरह के एक शख्स थे जो कि मेरे हस्बैंड के क्लासमेट है, ठीक है, तो काफी वो बड़े हैं मतलब इनसे, ये बच्ची से, तो अचानक से बोले अरे ये कौन है, तो हम ऐसे ऐसे बोले कि ये मेरी ननंद की बेटी है वगैरह वगैरह। अब तक मैं, मुझे ना डर इस बात का लग रहा है कि उसको कुछ अलग लग रहा है ये आदमी, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस क्या है, बड़े बड़े होंगे छोटे छोटे होंगे, ये बड़ा आदमी छोटा कैसे है उसको समझ में नहीं आ रहा है, बच्ची है। मुझे ना सिर्फ धड़कन तेज मेरा इसलिए हो रहा था कि वो पूछ ना दे इस आदमी के सामने कि ये आदमी इतना छोटा क्यों है। तो ये जो थोड़ा सा क्या बोले अजीब जो चीजें हैं वो दिखता है अचानक से, तो और वही हुआ जो जिस चीज का डर था वो सामने ही पूछ दी थी, और फिर कैसे तैसे मैंने मैनेज किया, छोड़िए वो तो सिचुएशन अलग था। लेकिन अभी मानिए, ऐसा मैं कह रही थी कि जैसे कोई आदमी को देख करके आपको लगा कि ये सुंदर नहीं है, फिर बात करते करते उस आदमी से ऐसा है कि आपसे बात करना ही है उसको, और वो उसको कुछ पूछना ही है, तो आप बात करने लगे, तो वो आदमी का प्रेजेंटेशन, वो किस तरह आपसे बात कर रहा था और किस तरह आपका प्रश्न का जवाब दिया, किस तरह वो समझाया, वो सबसे फिर आपको लगा कि आदमी कितना स्वीटली प्रेजेंट किया आपने आपको, कितना अच्छा था इसका सब कुछ, जेस्चर वगैरह सब कुछ, तो वो है मधुरत्व, जो कि चित्र में जब आप गीत का चित्र बना रहे हैं, गीत का सोचिए एक वाल्चर जैसे ही दिमाग में आता है तो उसका वो जो अजीब टाइप का नहीं अच्छा लगने वाला सब कुछ सामने आ जाता है गीत। लेकिन जब आप चित्र बना रहे हैं तो उसका हर मूवमेंट, उसका बनावट सोचिए शरीर का, कितना बोल्ड होता है उसका गर्दन इस तरह, फेस इस तरह, चोंच इस तरह, उसका जो सुंदरता है उसको डिपिक्ट कीजिए पेंटिंग में, फिर उसका कैरेक्टर को डिपिक्ट कीजिए ताकि वो गिद्ध लगे, मगर एट ए ग्लांस वो पेंटिंग अगर आप मानिए ड्राइंग रूम में आप टांग दिए तो घुसते ही ड्राइंग रूम में लोगों को वो गिद्ध का जो खराब कैरेक्टर है वो सामने पहले ही ना दिखे, दैट इज मधुरत्व। फिर वो देखते देखते वो मैसेज समझ में आ जाए कि गिद्ध को किस तरह इसने बनाया, मगर पहले ही देख करके वाह ये लगे, वो है मधुरत्व। क्या मैं समझा पाई आपको? हेलो, कट गया शायद। हाँ अर्चना, आपने समझ लिया? हाँ, यस मैम, अनम्यूट हो गया था मेरा। अच्छा ठीक है, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो फिर कल पूछिएगा, ठीक है जी। चलिए, काफी टाइम हो गया है, क्लासेस को हम लोग यहीं विराम देते हैं, फिर हम लोग कल पुनः समय से सब लोग जुड़िएगा, 11 बजे लिंक ओपन हो जाता है, सभी लोग समय से जुड़ जाएं ताकि समय से हम लोग क्लास कर पाए। थैंक यू वेरी मच मैम, आप फिर दोबारा हमारे साथ जुड़ी, कल हम लोग फिर जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच, सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सर।